ठीक है जो हॉर्सेस को यूज़ करके एक यू नो फोर व्हील्स पे एक बॉक्स टाइप का बना होता है एंड दैट इज सॉरी टू व्हील्स पे जो बॉक्स टाइप का बना होता है दैट इज वॉट इज नोन एज द हैक और ये स्टोरी है अबाउट अ मैन हु इज अ ड्राइवर ऑफ दिस हैक तो ये पूरी कंप्लीट स्टोरी जो है वो दो कैरेक्टर्स के अराउंड रिवॉल्व करती है एंड इट्स एन इंटरेस्टिंग टेल डेफिनेटली इट्स एन अम्यूजिंग टेल आपको मजा आएगा पढ़कर तो इस पूरी स्टोरी में जो दो कैरेक्टर्स हैं दे आर वन इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी दैट इज द स्पीकर ऑफ दिस कंप्लीट स्टोरी जिन्हें हम यंग लॉयर के नाम से भी यू नो इंडिकेट कर सकते हैं इस स्टोरी में तो दिस पर्सन आफ्टर कंप्लीटिंग हिज ग्रेजुएशन इन्होंने ऑनर्स किया है दैट इज उन्होंने एक यू you नो know, अपने पूरे सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन किया है और उसके बाद ये एक वेल नोन लॉ फॉर्म में काम करता है अब नॉर्मली लॉ फॉर्म में ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सॉर्ट ऑफ यू नो इनको लीगल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लिखने का काम मिलेगा दैट इज लीगल ब्रीफ्स करने का काम मिलेगा बट ये जो है एज ए जूनियर असिस्टेंट क्लर्क काम करते हैं यहाँ पर और इनको सॉर्ट ऑफ यू नो एक जैसे कि कोई एक डिटेक्टिव हो ऐसे चीप डिटेक्टिव और जो यू नो डिटेक्टिव क्या करते हैं वो चीज़ों को ढूंढते हैं राइट दे सर्च फॉर द इंफॉर्मेशन सर्च फॉर द पीपल तो इसी तरीके से ये जो यंग लॉयर हैं इन्हें क्या काम दिया जाता है कि इन्हें ऐसे लोगों को सर्च करना है जिनके लिए कोर्ट के थ्रू कोई ऑर्डर्स आए हैं दैट इज समन्स आए हैं तो इनको जो है वो जाकर उनको प्रोवाइड करना है उन लोगों को ढूंढना है यू you नो know, उनको लेकर आना है कि आपको कोर्ट में यू नो प्रेजेंस प्रेजेंट रहना पड़ेगा बिकॉज दिस इज़ दी ऑर्डर विच इज़ बीन गिवन तो इनको ना अपनी जॉब बिल्कुल पसंद नहीं आती अब उसके बहुत से रीज़न्स हैं नंबर वन क्योंकि इनको ऐसी कोई जगहों पर जाना पड़ता है जो बहुत ही यू नो डल सी होती हैं शाडोई सी होती हैं बहुत ही अलग अजीब सी जगहों पर जाना पड़ता है इनको और लोगों को ढूंढना पड़ता है जो कि जिनके लिए वो नो सम

ओलिवर लुटकिंस नाम के एक आदमी को ढूंढना है और उसे यू नो लेकर आना है बिकॉज उसके लिए बहुत टाइम से ऑर्डर्स दिए गए हैं बट वो जो है हमेशा से इग्नोर कर रहे हैं ऑर्डर्स को और कोर्ट में नहीं आ रहे तो इस बार इस यंग लॉयर को बोला जाता है दैट यू नीड टू गो टू दिस प्लेस एंड फाइंड आउट दिस पर्टिकुलर पर्सन और फिर उसको जाके बोलना है दैट यू हैव टू बी प्रेजेंट इन द कोर्ट तो ये जो है खुश हो जाते हैं बिकॉज इनको अपनी यू नो कंट्री लाइफ भी बहुत अच्छी नहीं लगती सिटी लाइफ कहना चाहिए तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आती तो उन्हें लगता है मे बी नो एक न्यू एक्सपीरियंस होगा और वो बहुत से यू नो इमेजेस फॉर्म कर लेते हैं अपने दिमाग में अबाउट दिस प्लेस बट जैसे ही इस प्लेस में ये एंटर होते हैं इनके जो इमेजिनेशन थे इनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो बिल्कुल भी फुलफिल नहीं होती हैं क्योंकि इनको क्या दिखता है कि ये जो प्लेस है वहाँ की ज्यादातर स्ट्रीट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा यू you नो know, कीचड़ से भरी पड़ी हैं बहुत ज्यादा रिवर मड है वहां पर देन बहुत सी शॉप्स हैं वहाँ बट दो शॉप्स आर वुडन शॉप्स यानी कि वुड की बनी हुई हैं यू नो और वो कभी कुछ कुछ शॉप्स तो पेंटेड है बट बहुत डल पेंटेड है और कुछ हैं जो पेंटेड ही नहीं है तो सॉर्ट sort ऑफ of एक बहुत ही डल बोरिंग मोनोटेनस था यू you नो know? उनको ये व्यू दिखता है तो ही इज डेफिनेटली नॉट यू नो हैप्पी कि जैसा उन्होंने सोचा था वैसे इस प्लेस के बारे में तो उनको बिल्कुल नहीं लगता बट एक चीज़ है जो उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव सी लगती है उन्हें लगता है कि हाँ ये कुछ अच्छा है यहाँ पर एंड दैट इज द डिलीवरी मैन तो एक डिलीवरी मैन एक मैन जो है वहाँ पर प्रेजेंट है और, और जो स्पीकर है सॉरी जो स्पीकर है या नरेटर है उन्हें लगता है कि ये एक डेफिनेटली राइट पर्सन है जिनसे मैं जाकर पूछ सकता हूँ कि मैं ओलेवल लुटकिन को कहाँ जा कर तो वो इनके पास जाते हैं और इन्हें बताते हैं कि यू you नो know, मैं एक ऑलिवर लुटकिंस नाम के मैन को आप जानते हो क्या मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ तो दिस डिलीवरी मैन यू नो टेल्स दिस पर्सन कि हाँ अभी थोड़ी देर पहले ही यू you नो know, मैंने ऑलिवर को देखा था बट वो यहाँ से भी जा चुका है और वो पर्सन जो है थोड़ा यू नो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और बहुत मुश्किल है उस पर्सन को कैच करना तो ये जो है उनसे पूछते हैं कि आप क्यों आए हो यू you नो know, इनको ढूंढने के लिए कि आपको बहुत जल्दी है ऑलिवर को ढूंढने की तो वो बोलते हैं हाँ मुझे आफ्टरनून की ट्रेन कैच करनी है इसीलिए मुझे यू you नो know, जितनी जल्दी हो सके मैं ऑलिवर को ढूंढना चाहता हूँ तो दिस पर्सन इज लाइक ओके मुझे यू you नो know, सारी जगह पता है मैं जानता हूं ऑल ओवर कौन है कैसा है कहाँ मिल सकता है तो हम दोनों जो है एक साथ जाते हैं और इंसान को उस ऑलोवर को यू नो ढूंढते हैं अब जो ये हमारे यंग लॉयर हैं वो बहुत इनोसेंट से पर्सन है वो बिलीव कर लेते हैं उनको लगता है ठीक है ये पर्सन मेरी हेल्प कर रहा है और इसके हेल्प के बिना आई डोंट थिंक मैं इतनी जल्दी ऑलोवर को ढूंढ पाऊंगा तो वो बोलते हैं ओके डन नाउ दिस पर्सन दिस डिलीवरी मैन ओन्स अ अक यानी कि उनके पास एक हॉर्स ड्रिवन कार्ट या व्हीकल है तो वो बोलता है मेरे पास ये व्हीकल है तो मैं वो निकाल लेता हूँ आप उसमें बैठ जाइए लेट्स जस्ट लेट बोथ ऑफ अस गो अराउंड द प्लेस एंड फाइंड ऑल लुटकिंस तो ये जो है उसमें बैठते हैं एंड देन ये पर्सन जो है इनको डिफरेंट डिफरेंट जगह पे लेके जाता है देन देर इज फ्रिट शॉप देन देर इज गुस्ताव शेविंग यू नो शॉप बार बार शॉप फिर ऐसे ही वो धीरे धीरे उनको डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे लेके जाते हैं एंड देन ये जो ऑथर हैं उनके साथ जो इनकी बातचीत होती है द वे ही यू नो और टेल्स एम अबाउट डिफरेंट सिनारी जब वो एक साथ खाना खाते हैं हम लेटर इन द स्टोरी जानेंगे किस तरीके से वो एक व्यू देते हैं डिफरेंट डिफरेंट लोगों के बारे में एक बिल्कुल सिचुएशन को अलाइव कर देते हैं ये सब चीज़ें इस यंग लॉयर को बहुत अच्छी लगती हैं अबाउट दिस पर्टिकुलर पर्सन और वो बहुत खुश हैं इनसे मिल के नाव ये पूरी कोशिश करते हैं दोनों यू नो ऑल ओवर लुट को ढूंढने की हर जगह जाते हैं जहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है उसके मिलने की बट होता क्या है इनको ऑल ओवर लुटकिंस नहीं मिलता है तो डेफिनेटली जो नरेटर हैं वो बिल्कुल भी अनहैप्पी नहीं है वरीड नहीं है कि मैं लुटकिंस को नहीं ढूंढ पाया क्यों क्योंकि उनको बड़ी खुशी हुई मिलकर विद दिस पर्टिकुलर पर्सन और ये पर्सन का नाम जो है लेटर इन द स्टोरी पता चलता है इट्स अ बिल तो ये जो मैन है दैट इज़ बिल उनसे मिलकर इस यंग लॉयर को बहुत अच्छा लगता है तो ही इज लाइक नॉट वरीड कि मैं यू नो लुटकिंस को ढूंढ नहीं पाया

वॉट हैपन्स इज जब ये लोग वापस पहुंचते हैं उस प्लेस में दैट इज अव म्यूलियन डेफिनेटली दिस यंग लॉयर और द नरेटर इज अ वेरी शॉकड एंड वेरी सरप्राइज टू नो वन पर्टिकुलर फैक्ट अब वो क्या है दैट विल गेट टू नो एट दफ़ द स्टोरी सो फॉर नोइंग दैट वी नीड टू नाउ गो थ्रू द कम्पलीट अ स्टोरी सो आई होप आपको एक पूरी आउटलाइन मिल गई है कि कुछ बहुत सी यू नो सस्पीशियस सा कुछ होने वाला है स्टोरी में देर इज समथिंग इंटरेस्टिंग जो कि यू you नो know, हमको बार बार हमें मन करेगा यू you नो know, इस पूरी स्टोरी को पढ़ने का तो आई होप आप Interested to know this complete story till the end. So let's now begin with the story. But before that, we will just go through the brief introduction of the author. Then we'll read the question that has been asked in the book and then finally begin with the very first paragraph of the story. So the author hai, that is Sinclair Lewis, his full name is Harry Sinclair Lewis. He was born in 1885 and he left the world in 1951. ही वॉज एन अमेरिकन नोवलिस्ट शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड प्ले राइट तो वो नोवल्स लिखते थे वो प्लेज लिखते थे एंड ऑल्सो इनकी बहुत सी फेमस शॉर्ट स्टोरीज भी हैं ही इज द फर्स्ट अमेरिकन राइटर टू रिसीव द नोबल प्राइज इन लिटरेचर वेरी बिग अचीवमेंट नोबल प्राइज इन लिटरेचर यू नो सबसे पहले अपने नाम पे करने वाले वो कौन थे दिस ऑथर दैट इज हैरीस एंड क्लेर लुअस कंप्लीट स्टोरी जो है उसे हम एक्सैक्टली exactly नहीं बता पाएंगे तो तो जो स्टोरी है वो एक यंग लॉयर के ऊपर है जो कि बहुत इनोसेंट है बहुत जल्दी बिलीव कर लेते हैं लोगों पर He goes to a village to serve a summons to a person called Oliver Lutkins. और वो इसीलिए जाते हैं यहाँ पर, because he wants to serve a summons. That is, he want to, you know, give the order to Oliver Lutkins कि that you have to be present in the court anyhow. तो ये पूरी story जो है, इन दो characters के ऊपर ही चलने वाली है. So let's just read the question that has been asked and then we'll read the very first paragraph of the story. A young lawyer comes to a village to serve summons on Oliver Lutkins. A friendly hat driver takes him round the village in search of Ludkins. Does he find him?

आफ्टर ग्रेजुएटिंग honors, ऑनर्स आई बिकेम junior असिस्टेंट क्लर्क इन अ magnificent लॉ फर्म तो यहां पर हर जगह ये आई वर्ड जो यूज किया गया है obviously ये फर्स्ट पर्सन को डिनोट कर रहा है तो ये कौन है ये है द स्पीकर या फिर क्या कहेंगे हम इन्हें द नरेटर या फिर इन्हें ही हम कैसे बताने वाले हैं यंग लॉयर के नाम से बिकॉज कहीं पे भी स्टोरी में इनका नाम मेंशन नहीं है तो हमारे पास सिर्फ यही वर्ड बचते हैं टू डिनोट दिस पर्सन एंड दैट इज इधर वी कैन से स्पीकर और वी कैन से द नरेटर और वी कैन डायरेक्टली से दैट यंग लॉयर क्लियर तो कहीं पे भी अगर मैं इन तीनों में से कोई भी वर्ड यूज करती हूँ इसका मतलब हम इनके बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ नरेटर बोलते हैं कि जब मेरा ग्रेजुएशन हो गया विथ ऑनर्स यानी मैंने स्पेशलाइजेशन कर लिया अपने सब्जेक्ट में आई बिकेम अ जूनियर असिस्टेंट क्लर्क तो उनका जो पोजीशन है इस लॉ फर्म में वो क्या है एक जूनियर असिस्टेंट क्लर्क का और ये लॉ फर्म जो है वो कोई ऑर्डिनरी सा लॉ फर्म नहीं है इट्स अ मैग्निफिशेंट लॉ फर्म यानी समथिंग जो कि बहुत ही नोन है एंड इट्स वेरी गुड तो मैग्निफिशेंट बोल सकते हो ग्लोरियस यानी कि समथिंग दैट इज गुड यू नो एक अच्छी जगह पर ये काम कर रहे हैं I was sent not to prepare legal briefs but to serve summons like a cheap. प्राइवेट डिटेक्टिव तो यहां पर जो नरेटर है वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं था कि मुझे यू नो लीगल ब्रीफ्स बनाने के लिए रखा गया था विच इज समथिंग एक्सपेक्टेड यू नो उनके हिसाब से दिस वाज वाज समथिंग ही ही एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिज जॉब कि वुड गेट टू राइट लीगल ब्रीफ्स बट दिस इज समथिंग जो नहीं होता है ना वॉट इज अ लीगल ब्रीफ अ रिटर्न लीगल डॉक्यूमेंट यानी कोई भी जो भी केस चल रहा है रिलेटेड टू दैट जो भी इंफॉर्मेशन है वो नोट डाउन करनी हो या किसी डॉक्यूमेंट में mention करना अबाउट द कंप्लीट केस दैट इज नोन एज अ लीगल ब्रीफ तो यहां यहाँ पर वो बोलते हैं कि मुझे ऐसा कुछ नहीं था यू you नो know, कि ये डॉक्यूमेंट में मुझे लीगल इन्फॉर्मेशन लिखने का काम दिया गया हो बल्कि मुझे क्या काम दिया जाता था आई वॉज सेंट टू सर्व समन समन्स का मतलब होता है कोर्ट कोर्ट ऑर्डर यानी कोर्ट के थ्रू जो भी ऑर्डर यू नो निकलते हैं फॉर एनी पर्सन कि इस पर्सन को यहाँ पर कोर्ट में इस डेट को इस टाइम में यू नो प्रेजेंट रहना है फॉर एनी पर्टिकुलर केस उसे कहते हैं समन तो इन्हें जो है डिफरेंट समन्स को सर्व करने के लिए भेजा जाता था जस्ट लाइक अ चीप प्राइवेट डिटेक्टिव तो वो अपने आप को एक चीप प्राइवेट डिटेक्टिव से कंपेयर करते हैं नाउ अ डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेटर कुछ लोग होते हैं ना जिनको यू नो सॉर्ट ऑफ जैसे हमने ऑसिबल के बारे में पढ़ा था डिटेक्टिव राइट तो ये सीक्रेट एजेंट के बारे में पढ़ा था वैसे ही सॉर्ट sort ऑफ of आप सोच सकते हो डिटेक्टिव, होते हैं, you know, सी हैं। तो इन्फॉर्मेशन है? तो नहीं उन लोगों को पता करना पड़ता है उन लोगों को ढूंढना पड़ता है जिनको उन्हें तो इनको ऐसा लगता है कि मैं यू नो सॉर्ट ऑफ ऐसा कोई लॉ वाला काम नहीं कर रहा हूं मैं एक ऐसे चीप डिटेक्टिव की तरह ढूंढता you know, रहता हूं लोगों को जिन्हें मैं ये कोर्ट ऑर्डर तो दिस इज़ द कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ दी स्पीकर कि वो क्या करते हैं कहाँ पर काम करते हैं वॉट एक्चुअली हिस जॉब इज क्लियर ऑल राइट I had to go to dirty and shadowy corners of the city to seek out my victims. अब दूसरी चीज यू नो जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आती अपनी जॉब के बारे में वो क्या है कि इनको कुछ ऐसी प्लेसेस पे जाना पड़ता है जो बहुत डर्टी हैं बहुत ही खराब गंदी सी जगह होती हैं एंड shadowy corners कॉर्नर्स यानी बहुत डल डार्क ऐसे कॉर्नर्स में उनको जाना पड़ता है जहां पर sort ऑफ आपको एक अच्छी वाइब नहीं आएगी आपको लगेगा यहाँ पक्का कुछ गलत होता है क्लियर तो ऐसी जो प्लेसेज होती है वहां पर उनको जाकर विक्टिम्स क्यों बोला है यानी कि जो लोग उनके विक्टिम्स

सम ऑफ द लार्जर एंड मोस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंट वंस इवन बीट मी अप और नेक्स्ट जो इनके साथ बहुत ही अजीब चीज होती है वो क्या होती है कि कुछ लोग जो बहुत ही बड़े हों यानी फिजिकली बड़े स्ट्रॉन्ग हो मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट जो किसी से नहीं डरते जिनको ऐसा है कि भैया हम क्यों आए कोर्ट में हमें नहीं आना तो वो किस तरीके से मना करते हैं इनको इनको मार देते हैं यानी कि इनको मार के भगा देते हैं कि भाई हम नहीं आएंगे तो ये भी कुछ ऐसा है जो कि बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं है राइट उनके लिए तो उनको इस चीज की वजह से भी अपनी जॉब अच्छी नहीं लगती है I hated this unpleasant work and the side of city life it revealed to me. तो so डेफिनेटली वो जो है अपना ये जो एक काम है उनका जो कि बहुत unpleasant है ऐसा कुछ नहीं जिसकी वजह से उनको खुशी हो नो मेरी जॉब है बढ़िया मैं जाऊँगा समन सर्व करने नहीं ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है उनके यू नो जॉब में तो उन्हें ये अनप्लेजेंट जो वर्क है बिल्कुल भी पसंद नहीं आता अनप्लेजेंट मीन्स हॉरेबल समथिंग विच इज नॉट प्लेजेंट वेरी हैप्पी क्लियर तो ये जो है वो ऐसा काम बिल्कुल पसंद नहीं करते अपना एंड ऑल्सो कंट्री का एक साइड उनके हिसाब से क्या होता है सॉरी सिटी का सिटी क्या होती है बहुत ब्यूटीफुल होती है ब्राइट से व्यूज होते हैं बिल्कुल ब्राइटनेस होती है ऐसा नहीं होता यू नो शेडो से कॉर्नर्स बट उनको ये साइड भी रिवील हुआ है ये साइड भी दिखा है बिकॉज ऑफ हिस्स जॉब तो इन दोनों चीजों की वजह से यू नो उन्हें अपनी जॉब बिल्कुल पसंद नहीं आती एंड ही हेट्स हिज वर्क क्लियर ऑल राइट

इन द कंट्री तो वो बहुत खुश हो जाते हैं एक दिन ही इज़ रिजॉइज़ मीन्स हैप्पीनेस और जॉय यानी बहुत खुश हो जाते हैं ये क्यों बिकॉज इनको पता चलता है कि अब इनको भेजा जा रहा है कंट्री यानी yani कि कंट्री से बिल्कुल में you know, जगह से वेर ही न्यू म्यूलियन तो उनको एक टाउन में भेजा जाता है जिसका नाम है न्यू म्यूलियन और वो बहुत खुश है इस चीज को लेके बिक टू सर्व सामन ऑन मैन कॉल्ड ऑल ओवर रीजन टू दिस पर्टिकुलर प्लेस की इस बार इन्हें किसको यू नो सामन सर्व करना है एक इंसान को हु इज ऑल ओवर ऑब्वियसली इंसान को ही करेंगे दैट मीन यू नो एक मैन को हु इज ऑल ओवर लुटकिंस तो वो लुटकिंस को समन सर्व करने के लिए यू नो न्यू म्यूलियन जाने वाले हैं

लेटर्स भेजे गए हैं वो यू नो कंटिन्यूसली इग्नोर करते आए हैं उन लेटर्स को एंड ही नॉट यू नो गोइंग टू द कोर्ट और ही नॉट कमिंग पे भी उनको बुलाया जा रहा सर्व पर्टिकुलर पर्सन क्लियर वेन आई गोट टू न्यू म्यूलियन माई ईगर एक्सपेक्टेशन ऑफ अवीट एंड सिंपल कंट्री विलेज वॉज सीवियरलीज अलेज

एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ऐसा-ऐसा होगा तो उनके expectations क्या थे कि कि ये जो जो है बहुत sweet सी simple सी जगह होगी ऐसी नहीं होगी जैसे वो प्लेसेस पर जाते हैं कुछ victims को ढूंढने के लिए तो ऐसा कुछ नहीं होगा बट क्या होता है

डल से ब्राउन टाइप के कलर से पेंटेड थी यहां पर बिल्कुल पेंटेड ही नहीं थी तो बहुत ही बोरिंग सा व्यू इनको दिख रहा था

हिज वर्किंग क्लोथ्स dirty एंड वेल well worn. तो वो जो कपड़े पहने हुए हैं दैट इज़ वर्किंग क्लोथ्स यानी जब भी वो काम पे जाते होंगे जो भी उनकी ड्रेस है वो जो है डर्टी है बहुत गंदी है एंड वेल वॉन यानी कि बहुत ज़्यादा पहनने के बाद जो कपड़ों की खराब हो जाती हालत वैसी दिख रही है यानी बहुत ज़्यादा वो यू नो पहन चुके हैं इन कपड़ों को तो उनके कपड़े इतने प्रॉपर अच्छे नहीं दिख रहे हैं एंड ही हेड अ फ्रेंडली मैनर बट उनका जो मैनर था यानी बात करने का तरीका था वो बहुत ही फ्रेंडली था बहुत अच्छे से यू you नो know, वो लोगों से बात कर रहे थे यू फेल्ट एट वंस डेट ही लाइक पीपल और जैसे ही आप उनसे मिलो इस डिलीवरी मैन से आप उनसे बात करो तो आपको समझ आ जाएगा कि वो ही इज अ पीपल्स पर्सन यानी कि उनको बहुत अच्छा लगता है लोगों से इंटरेक्ट करना ही लाइक्स पीपल तो ये जो है बहुत खुश हो जाते हैं नरेटर बिकॉज कुछ तो अच्छा उनको दिखता है इस जगह पे बिकॉज be nice, ही वॉज एक्सपेक्टिंग एवरीथिंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल वेरी नाइस बट बिल्कुल ही ऑपोजिट होता है सीनारियो बट ये पर्टिकुलर पर्सन जो है उनको वो वाइब देते हैं कि हाँ भाई समथिंग इज गुड इन दिस प्लेस क्लियर ऑल राइट आई वॉन्ट आई टोल्ड हिम टू फाइंड अ मैन नेम्ड ऑलि लुटकेंस तो ये जो नरेटर है वो जाते हैं उनके पास और उनको बोलते हैं कि मैं जो हूँ एक मैन को ढूंढ रहा हूँ जिसका नाम है ऑलिवर लुटकेंस Lutkins, I saw him around here about an hour ago. तो वो delivery man इनको reply देते हैं कि अच्छा Lutkins को ढूंढ रहे हैं आप और उसको तो मैंने भी एक घंटे पहले ही यहाँ पर देखा था Hard fellow to catch though, always up to something or other. तो ये delivery man उनको बोलते हैं कि भाई बहुत मुश्किल है इस person को catch करना It is not easy to get hold of this person and he is a very hard person to catch hold of. ऑलवेज अप टू समथिंग और दी अदर एंड दिस पर्सन इज नॉट स्टेशनरी वो स्थिर नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर चीज़ें कर रहे एक चीज़ कर रहे हो वो जो है कुछ ना कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते रहते हैं तो दिस डिलीवरी मैन इज लाइंक ओके आप नुटकिनस को ढूंढ रहे हैं ही वॉज लाइक एन आर बिफोर प्लेजेंट एट दिस प्लेस और वो इंसान को यू नो इतना ईजी नहीं है कैच करना बिकॉज वो कुछ ना कुछ डिफरेंट चीज़ें जो है वो करते रहते हैं ही इज प्रोबेबली ट्राइंग टू स्टार्टअप गेम इन द बैक ऑफ फ्रिड्स शॉप तो वो उनको हिंट देते हैं कि यू you नो know, ऐसा हो सकता है प्रोबेबली चांसेस है कि फ्रिड्स शॉप है एक फ्रिड्स एक कोई मैन है his shop is there, और उस शॉप के पीछे वो जाकर यू you नो know, कोई पोकर गेम स्टार्ट करने वाले नो वट इज अ पोकर गेम इट्स अ कार्ड गेम जो कार्ड्स वगैरह खेलते हैं उसमें से एक गेम का नाम होता है पोकर गेम तो वो जो है उनको बताते हैं कि फ्रिड्स की शॉप के पीछे यू you नो know, ये पोकर गेम खेलने अभी वाले हैं आई टेल यू बॉय इज देर इन हरी अबाउट लोकेटिंग लुटकिन तो वो डिलीवरी मैन बोलते हैं कि भाई लुटकिन जो है वो यहाँ पर प्रोबेबली आपको मिल जाएंगे बट आप मुझे पहले ये बताओ यानी ही जस्ट इन्क्वायर्स फ्राम द नरेटर कि आपको यू you नो know, को जल्दी है कि आर यू जस्ट इन अ हरी टू कैच होल्ड ऑफ लुटकिन आप बहुत जल्दी चाहते हो क्या लुटकिन को पकड़ना सो वॉट डज नरेटर रिप्लाई ही सेज येस आई वॉन्ट टू कैच दी आफ्टरनून ट्रेन बैक टू दिस सिटी वो बोलते हैं हाँ भाई मुझे आफ्टरनून की जो ट्रेन है जो दोपहर की नेक्स्ट ट्रेन है वो कैच करके मुझे वापस जाना है तो जितनी जल्दी हो सके आई वॉन्ट टू कैच होल्ड ऑफ ऑल ओवर लुटकेट्स I was very important and secret about it. तो so, वो बोलते हैं मुझे ये समझ आ गया था भाई मेरी जॉब बड़ी सीरियस है और ऐसे हर किसी को नहीं बता दूंगा मैं कि I have come to serve someone to this person. तो so, वो बस सीक्रेट रखते हैं इस चीज़ को और वो डायरेक्टली नहीं बताते कि भाई मेरा मोटिव क्या है He is like कि मुझे आफ्टरनून की ट्रेन कैच करनी एंड दैट्स वाई आई वॉन्ट ऑल ओवर लुटकिन as soon as पॉसिबल डिलीवरी मैन बोलते हो ठीक है मैं आपको एक बात बताता हूँ मेरे पास एक हैक है ना वॉट इज अ है वहीकल या फिर हॉर्स कार्ट जो हॉर्स कार्ट होता है दैट इज वॉट इज नोन एज अ है वो बोलते हैं भाई मेरे पास एक हैक है मेरे पास एक हॉर्स ड्रिवन कैरियज है I'll get it out and we can drive around together and find Lutkins. So तो ही इज कि मैं वो कैरियर ले आता हूँ हम दोनों इसमें बैठ जाते हैं और फिर हम पूरे विलेज में यूनो जाएंगे जहाँ जहाँ पे पॉसिबिलिटी हो लुटकिन को ढूंढने की एंड वील फाइंड दिस पर्टिकुलर पर्सन आई नो मोस्ट ऑफ द प्लेसेज ही हैंग्स हाउट तो वो बोलते हैं कि मुझे ऑलमोस्ट वो सारी प्लेसेस पता है जहाँ पर ये पर्सन जो है वो हैंग आउट करते हैं यानी कि वो हैंग आउट का मतलब होता है अपना टाइम स्पेंड करना लीजरली अपना टाइम स्पेंड करना वी कैन ऑल्सो से टू स्पेंड टाइम डूइंग नथिंग इन पर्टिकुलर यानी फालतू में कहीं भटकते रहना ऐसी जो जगह होती है वहाँ मैं जानता हूँ कि यू नो कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी है लुटकेंस को ढूंढने की तो लेट्स जस्ट गो देर एंड फाइंड दिस पर्टिकुलर पर्सन ही वॉज सो ओपन एंड फ्रेंडली दैट आई ग्लोड विद द वॉम्थ ऑफ हिज अफेक्शन आप कोई पर्सन खुद ही आके अगर आपको बोले हो नो एक न्यूसी प्लेस है आपसे खुद ही आके बात करे आपको खुद ही बोले हो नो कि मैं हेल्प कर रहा हूँ आपकी तो आपको डेफिनेटली लगेगा कि वाह यार ये पर्सन कितना अच्छा है राइट सेम वे जो नरेटर है वो भी इस पर्टिकुलर पर्सन दैट इज यू नो द डिलीवरी मैन उसे बहुत ज्यादा फ्रेंडली पाते हैं एंड ही इज वेरी ओपन यानी ही इज अ वेरी गुड एक्स्ट्रो कह सकते हो पीपल्स पर्सन है ही जस्ट केम यू नो विद एन बाय हिमसेल्फ कि हाँ चलो मेरे पास एक कार्ट है एक कैरियर एक हैक है तो मैं आपको उसमें बिठा के पूरी जगहों पे ले जाता हूं जहां पे भी पॉसिबिलिटी है लुटकिंस को फाइन करने की तो दैट आई ग्लोड विद ऑफ अफेक्शन ग्लोड मीन इट मीन इम्प्रेस्ड यानी ही वॉज वेरी इंप्रेस और किस चीज़ से वो खुश होगा थे with the warmth of his affection. तो वो जो अफेक्शन जो लव केयर या फिर सॉर्ट sort ऑफ of जो फ्रेंडलीनेस वो दिखा रहे थे कौन द ड्राइवर और द डिलीवरी मैन उस अफेक्शन को देखकर ये बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए थे दैट इज द नरेटर I knew of course that he wanted the business, but his kindness was a real. वो बोलते हैं obviously मुझे ये तो पता ही था कि he wanted business यानी he wanted to earn something. Obviously उनका काम क्या है he has this hack. तो obviously वो जब carriers में उनको बिठा के लेके जाएंगे तो free में तो घुमाएंगे नहीं उनसे पैसे charge करेंगे तो उनको पता है कि वो पैसे कमाने के लिए because he wants to earn money from the narrator, definitely that's why he was giving this you know he was showing this uh, friendliness or this attitude कि मैं खुद आपको you know लेके चलता

आई वॉज ग्लैड द फेयर मनी वुड गो टू दिस गुड फेलो और उनको ये तो पता ही था ऑब्वियसली कि पूरी विलेज में जहाँ पर भी मुझे जाना पड़ेगा तो किसी ना किसी को तो मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी और ये जो पर्टिकुलर पर्सन है अगर इसके पास मेरे पैसे जाते हैं या फिर इफ़ आई पे दिस पर्टिकुलर फेलो देन डेफिनेटली इट्स समथिंग गुड आई एम डूइंग बिकॉज दिस पर्सन इज वेरी गुड तो पैसे जो हैं वो एक सही इंसान के हाथ में जाएंगे तो वो बहुत खुश होते हैं ओके आई एम ओके विद दिस आइडिया की लेट्स गो क्लियर ऑल राइट आई एम मैनेज टू बार्गेन डाउन टू टू डॉलर भैया बारगेनिंग इज समथिंग विच इज अ वेरी गुड स्किल और सब में होनी चाहिए तो ऑब्वियसली जब वो उनको रेंट बताते हैं यू नो कि कितना इतना पैसे जो भी लगेंगे फॉर एन आर तो वो जो है उसको कम कराते हैं वो बार्गेन करते हैं और उसको टू डॉलर्स पर लेकर आते हैं यानी कि एक घंटे की राइड के मैं तुम्हें टू डॉलर्स पे करूंगा नो बागेन मीन्स टू नेगोशिएट द प्राइज ऑफ समथिंग मोल भाव जिसे आप कहते हो यानी कि यू नो किसी प्राइस पे चर्चा करना डिस्कशन करना कि आप इसको इतना कम कर दो तो ही जो है ब्रॉड द प्राइज या फिर जो भी यू नो रेंट लगता है या जो कुछ भी मनी थी फेयर जो था वो क्या था टू डॉलर फॉर एन आर

He remarked, "Well, young man, here's the carriage." So, तो फिर वो बताते हैं उनको कि भाई young man, this is the carriage and this is the hack, you know, जिसमें हम बैठने वाले. And his wide smile made me into an ओल्ड फ्रेंड और जिस तरीके से वो इतनी खुशी से यू you नो know, इतनी अच्छी स्माइल देते हुए उनको बोलते हैं कि ये मेरा कैरियज है यू कैन जस्ट हैव अ सीट इन दिस तो वो जो है इनको ऐसा लगता है सॉर्ट sort ऑफ of कि बहुत पुराने दोस्त हों वो तो वो जो अफेक्शन जो काइंडनेस जो फ्रेंडलीनेस वो शोकेस कर रहा था जो ड्राइवर है उसको देख कर नरेटर को लगता है कि जैसे यू you नो know, हम एक बहुत पुराने अच्छे दोस्त हों these विलेजर्स आर सो रेडी टू तो हेल्प स्ट्रेंजर तो उनको क्या लगता है वो किसी कि स्ट्रेंजर को जानते भी नहीं है, कोई है उसे रेडी हो गए तो बात भी करते नहीं है you know, नहीं पता कि वो कैसे क्या है बट यहां पर खुद आगे होकर यू you नो know, वो हेल्प कर रहे थे तो ये चीज बड़ी ही इंप्रेसिव थी फॉर दरेटर हीस फॉर मी और नरेटर बोलते हैं कि ये जो ड्राइवर है या जो डिलीवरी मैन है ऐसा लग रहा था कि उसने ये पूरा काम जो है ना लुटकिंस को ढूंढने का वो खुद ही का बना लिया जैसे उनका खुद का मोटिव हो गोल हो उन्हीं भेजा किया हो यू नो ऑल ओवर लुटकिंस को ढूंढने के लिए तो इस तरीके से दिख रहा था कि ही वाज नॉट डूइंग समथिंग फॉर मी यानी फॉर द नरेटर बट फॉर हिमसेल्फ दैट उनको ही ऑल ओवर लुटकिंस को ढूंढना हो He said, I don't want to interfere, young fellow. But my guess is that you want to collect some money from Lutkins. तो ये जो driver हैं वो इनको बोलते हैं किसको narrator को, कि मैं interfere नहीं करना चाहता matter. But मैं जो हूँ ऐसा सोच रहा हूँ या मुझे ऐसा लगता है कि आप Oliver Lutkins को इसीलिए ढूँढना चाहते हो क्योंकि आपको उससे कुछ पैसे लेने हैं वापस यानी उसने आपके उससे यू नो कुछ पैसे बोरो किए होंगे या कुछ तो ऐसा होगा कि आपको वो मनी जो है वापस चाहिए फ्रॉम ओलिवर लुटकेस और ये मेरा एक गेस uh, है ही नेवर anybody a cent। तो वो बोलते हैं भैया कि वो जो है ओलिवर लुटकिंस वो किसी को भी पैसे नहीं देता है इवन अ पेनी भी जो है वो रिटर्न नहीं बैक रिटर्न बैक नहीं करता जिससे भी उसने पैसे लिए हो। ही स्टिल owes मी fifty सेंट्स ऑन अ poker गेम आई was फूल इनफ टू प्ले with हिम ही इज नॉट रियली बैड तो यहाँ पर डिलीवरी मैन बोलते हैं या फिर इस बार हम ड्राइवर बोल देते हैं द हैक ड्राइवर वो बोल देते हैं यू you नो know, कि उस मेरे भी यू नो फिफ्टी सेंट्स जो हैं वो उन पर हैं यानी कि मुझे भी फिफ्टी सेंट्स वापस लेने हैं किससे ओलिवर लुटकिन से ओज मीन्स बी इन अ डेफ एंड ऑब्लिगेशन टू पे मनी यानी कि जो लुटकिंस हैं, उनको 50 सेंट्स पे करने हैं किसको? इस ड्राइवर को क्यों क्योंकि इन्होंने भी नो ओलिवर के साथ एक पोकर गेम खेला था कार्ड गेम खेला था और हमें पता है कि पैसों पे चलता है ये गेम राइट जो कार्ड गेम्स होते हैं वो पैसों के ऊपर होते हैं कि जो भी जीतेगा टेक द कंप्लीट मनी तो वो बोलते हैं आई वॉज फूल इनफ टू प्ले विथ हिम ही इज़ नॉट रियली बैड तो बोलते हैं मैं बहुत बड़ा फूल था आई वॉज वेरी यू नो स्टूपिड आई वॉज अ बेवकूफ़ पर्सन कि मैं यू you नो know, उनके साथ पोकर गेम खेलने के लिए रेडी हो गया क्योंकि ऑब्वियसली हो सकता है ये जीते होंगे बट फिफ्टी सेंट्स जो हैं अभी भी ऑलोवर लुटकिंस ने उनको वापस नहीं किया फिर वो यू you नो know, बोलते हैं एकदम से कि वो इतना भी बुरा नहीं है यानी ऑल ओवर लुटकिन जो है ही इज़ नॉट दैट बैड एंड वॉट रीजन ही गिव्स इज बट इट्स हार्ड टू मेक हिम पार्ट विथ इज मनी बट ये यू नो वो पर्सन इतना बुरा नहीं है बट बहुत मुश्किल है अगर उनसे यू you नो know, पैसे निकाल पाए कोई तो ऑल ओवर लुटकिन से उसके पैसे निकलवाना या फिर किसी से यू you नो know, जिससे भी उन्होंने पैसे बोरो किए वो पैसे वापस लेना बहुत ही मुश्किल है

तो वहाँ के लिए वो बोलते हैं कि अगर आप चाहो तो मैं जाके यूनो you फ्रिट्स know, की शॉप पे पता लगाता हूँ कि यहाँ ओलिवो ल है या नहीं और आप जो हैं यू कीप आउट ऑफ साइट बिहाइंड मी यानी आप थोड़ा मेरे से मेरे पीछे यू you नो know, छुप के रहो हाइड करके रहो क्योंकि आपको अगर ओलिवो देख लेगा तो डेफिनेटली वो वहां से भाग जाएगा I loved him for this. By myself, I might never have found Lutkins. लुटकिन so, तो यहाँ पर नरेटर बोलते हैं कि भाई इस चीज़ के लिए ना I just loved this person. मुझे बहुत अच्छा लगा कौन The hack driver. क्योंकि मैं खुद से अगर ढूंढने जाता Oliver को तो definitely मैं नहीं ढूंढ पाता एक reason तो maybe बी आप कह सकते हो एक new place है और Oliver लुटकिन के जिस हिसाब से वो बता रहे हैं qualities की बहुत ज़्यादा tough person है to catch. एंड ऑल्सो क्योंकि मैंने ऐसे क्लोथ्स पहने हैं या फिर मैं कोई नया पर्सन हूँ इस जगह पे तो वो जो है सस्पेक्ट कर सकता था वो एक डाउट

मैन और उनको लगता है कि हैक हाँ ड्राइवर जो है यहाँ पर देट इज द वन ड्राइव हॉर्स कार्ड और हैक यहाँ पे इस पर्टिकुलर डिलीवरी मैन की बात हो रही है कि वो जो है उनकी जो नोइंग हेल्प यानी कि वो अपने हिसाब से कर रहे हैं और उनको क्योंकि पता है कि कहाँ कहाँ पर ओलोव मिल सकता है तो ये पूरी हेल्प से उनको लगता है कि डेफिनेटली मैं जो हूँ ओलोव लुटकिन को तो इस बार फाइन कर ही लूंगा आई टुक हिम इंटू माई कॉन्फिडेंस एंड टोल्ड हिम दैट आई वॉन्टेड टू सर्व द समन्स ऑन लुटकिन बट वो क्या करते हैं वो टुक इन इंटू कॉन्फिडेंस यानी कि वो उनका भरोसा जीत लेते हैं वो हैक ड्राइवर को बता देते हैं कि उनका मोटिव क्या है उनका मोटिव है कि उनको ऑल ओवर लुटकिन को समन सर्व करना है यानी कि एक कोर्ट ऑर्डर देना है

केस क्यों क्योंकि उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इस केस को जल्दी से सॉल्व कर देगी और एक केस एटलीस्ट सॉल्व हो पाएगा तो इनके लिए इजी हो जाएगा बट ऑल ओवर लुटकिन को बार बार लेटर्स भेजे जा रहे हैं इसकी यू नो ही केप्ट इग्नोरिंग देम और इसीलिए इनको लगता है यू you नो know, कि उनको ढूंढना बहुत ज़रूरी है और ये सारी इन्फॉर्मेशन वो इस पर्टिकुलर ड्राइवर के साथ शेयर करते हैं द ड्राइवर लिसन अर्नेस्टली और जो ड्राइवर है वो बहुत सीरियस होकर वेरी सीरियसली वो ये बात सुनते हैं जो कुछ भी नरेटर उनको बता रहे हैं एट दी एंड ऑन द शोल्डर एंड लाफ्टेल वील गिवर तो वो जो है सारी बातें सुनकर क्या करते हैं नरेटा के शोल्डर पे टैप करते हैं और उनको एकदम से हंसते हुए बोलते हैं कि चलो भाई हम लुटकिन को एक सरप्राइज देते हैं यानी कि उनको यू नो हम पकड़ने आए हैं लेट्स स्टार्ट ड्राइवर तो वो जो है नरेटर वो इनको बोलते हैं हैक ड्राइवर को कि चलो भैया लेट्स स्टार्ट आर जर्नी और वो क्या बोलते हैं उनको ड्राइवर बोलते हैं मोस्ट फोक्स अराउंड हेयर कॉल मी बिल और मैगन्यूसन अब ऑब्वियसली उनका नाम है बट उनको एकदम से वो ऐसे बोलते हैं ना कि लेट स्टार्ट ड्राइवर तो वो ड्राइवर सुनकर उनको बता देते हैं भाई कि मेरा नाम क्या है तो बोलते हैं यहाँ पर जो भी लोग रहते हैं उनमें से ज्यादातर तो लोग मुझे बिल के नाम से जानते हैं या फिर मैगन्यूसन के नाम से जानते हैं माई बिजनेस इज कॉल्ड विलियम मैगन्यूसन फैंसी काटिंग एंड हैकिंग और बोलते है, मेरा जो ये बिजनेस है उसे हमने एक यूनोस का भी एक नाम है और उस बिजनेस का नाम क्या है विलियम मैगन्यूसन फैंसी काटिंग एंड हैकिंग यानी कि वो डिलीवरी भी करते हैं तो काटिंग भी बोल सकते हैं एंड ऑल्सो हैकिंग यानी कि वो हैक ड्राइवर है क्लियर तो वो उनका अपना नाम क्या बता रहे हैं इधर आप बिल लिखेंगे या फिर मैगनसन लिखेंगे कंप्लीट स्टोरी में आप बिल के नाम से ही इनको इंडिकेट करने वाले हो

एनी वेयर तो वो बोलते हैं कि definitely मुझे लगता है, जो है, वो कहीं पर भी पॉसिबिलिटी अगर मुझे लगती है सबसे ज्यादा तो वो यही है कि यहाँ की शॉप पेफिनेटली हमको मिल जाएगा प्लेज लॉर्ड ऑफ पोकर क्योंकि वो बहुत ज्यादा पोको गेम खेलता है तो डेफिनेटली वहीं पर मे भी हो सकता है पोकर गेम्स खेले जाते हों या वो उनका पर्टिकुलर प्लेस हो जहाँ वो पोकर गेम खेलते हैं तो वो बोलते हैं कि वहां पर डेफिनेटली हमको ऑल ओवर मिल जाएगा ही इज गुड एट डिसीविंग पीपल फिर वो उनको बताते हैं अबाउट यू नो ऑलि वेरी गुड एटीविंग पीपल ट्रिकिंग चीटिंग यानी कि अपना you know, cunning ways use कर कर किसी को चीट करना दैट इज वॉट इज नोन एज डिस तो वो बोलते हैं कि ये ऑलिवर जो है वो बहुत ज्यादा कनिंग है बहुत स्मार्ट है इन डिसीविंग पीपल बिल सीम टू एडमायर लुट किन्स टैलेंट फॉर डिसऑनेस्टी और जिस तरीके से वो उनकी यू you नो know, जो हैक है बिल है वो जिस तरीके से लुटकिंस की तारीफ़ कर रहे हैं तारीफ़ इन द सेंस उनकी क्वालिटीज़ बता रहे हैं ना कि बड़ा अच्छी तरीके से यू you नो know, कर लेता है लोगों को चीट तो यहाँ पर नरेटर बोलते हैं कि बिल जो है ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा खुश है या इम्प्रेसड है यू you नो know, उसकी लुटकिंस की डिसऑनेस्टी के साथ कि जिस तरीके से वो गलत काम करता है या फिर डिसऑनेस्ट है वो चीज़ जो है इनको बहुत ज़्यादा वो एडमायर करते हैं रिस्पेक्ट करते हैं कि वाओ ही सच अ गुड पर्सन एट यू नो चीटिंग अदर्स सो एडमायर मीन्स प्रेज और एप्रिशिएट I felt that if he he had been a policeman, he would have caught Lutkins respectfully and jailed him with regret. तो so, यहाँ नरेटर बोलते हैं मुझे लगता है कि अगर ये जो बिल है हैक हाँ ड्राइवर है अगर वो एक पुलिस मैन होता और वो जो है किसको लुटकिंस को अगर पकड़ते तो बड़ी ही रिस्पेक्ट के साथ पकड़ते लुटकिंस को और उनको यू you नो know, उसको जेल में डालते वक्त बहुत रिग्रेट फील होता यानी कि बहुत ज्यादा सॉरी फील करते वो कि अरे मुझे यू you नो know, इतने अच्छा जो यू नो बोल सकते हो स्किलफुल पर्सन है डिसऑनेस्टी में इतनी अच्छे से चीट कर लेता है लोगों को तो आई एडमायर हिज क्वालिटी तो वो जो है बहुत रिग्रेटफुल या सॉरी फील करते अगर उनको उनको जेल में डालना होता यानी कि वो ये बोलना चाह रहे हैं कि इससे उनको ये बताना है हमें कि बिल जिस तरीके से लुटकिंस की

फ्रेंड ऑफ इज लुकिंग फॉर हिम सेड बिल चीयरली फिर वो जो है ऐसे बोलते हैं झूठ बोलते हैं कि भैया लुटकिन का कोई दोस्त है वो लुटकिनस को ढूंढ रहा है एंड ही सेड दिस चीयरली यानी कि हैप्पीली बहुत ही खुशी खुशी बोलते हैं कि यू नो देर इज वन फ्रेंड हु इज लुकिंग फॉर ऑल एवर लुटकिन बिल और क्योंकि वो बिल के पीछे छुपे थे उन्होंने बोला था बिल ने कि आप मेरे पीछे रहना यू नो बी आउट ऑफ द साइट तो वो जो फ्रिड है वो ये चीज ऑब्जर्व करते हैं कि जो पर्सन है जिसको वो फ्रेंड बता रहे हैं ऑलिवर लुटकिन का वो बिल के पीछे छुपा हुआ है और वो उसको देखते हैं ही He एडमिटेड वो थोड़े हेजिटेट हुए थोड़े रिलकटेंट से फील हुए यानी कि ही वॉज यू नो बीन इन टू माइंड्स ही वॉज थिंकिंग समथिंग एंड देन यू नो ही एडमिटेड और उसके बाद वो आंसर करते हैं ही कन्फेसिस

वी ड्रोव टू गुस्ताव बार्बर शॉप तो सबसे पहले जहाँ वो गए वो कौन सी शॉप थी फ्रिट्स आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए यू नो मे बी आपको पूछा जा सकता है नरेट दी कम्पलीट इंसीडेंट या फिर कहाँ कहाँ पर गए वेयर ऑल यू नो बिल एंड नरेट ऑन इन सर्च ऑफ ऑल ओवर लुटकिन तो सबसे पहले वो गए हैं फ्रिट्स की शॉप पे सेकेंड जो उनका डेस्टिनेशन है या सेकेंड पॉइंट जहाँ पे वो ढूंढने वाले वो है वी ड्रोव टू गुस्तावस बार्बर शॉप नेक्स्ट वो गए हैं गुस्ताफ़ की बारबर शॉप पे अगेन बिल वेंट इन फर्स्ट एंड आई लिंगर्ड एट द डोर और वापस से बिल जो है वो पहले एंटर करते हैं शॉप पे एंड आई लिंगर्ड एट द डोर का मतलब होता है आई वेटेड अराउंड यानी कि वो वहां पर वेट कर रहे थे डोर के इधर और अंदर सिर्फ बिल जाते हैं पूछने के लिए अबाउट ऑल ओवर लुटकिन He asked not only the Swede but two customers if they had seen a Lutkin. So, तो वो सिर्फ Swede यानी कि जो owner है वहाँ का, वो एक Swede है, a native or inhabitant of Sweden or a person of Swedish descent. यानी वो Sweden को belong करते हैं और वो जो है एक Swede इसीले कहा गया. तो वो जो है owner से भी और वहाँ के जो दो customers हैं, जो maybe you know barber shop पे shaving वगैरह cutting जो भी कराने आए हैं, तो उनसे भी पूछते हैं कि whether उन सबने you know Lutkins को वहाँ पर देखा है या नहीं. द स्वीड हैड नॉट और जो स्वीड है यानी जो ओनर है वो कह देते नहीं भाई मैंने नहीं देखा है ऑलिवर को आज ही सेव सीन हेम आई डों बट इफ यू फाइंड हिम यू कैन जस्ट कलेक्ट दैट डॉलर थर्टी फाइव ही ओज मी तो जो ओनर है वो बहुत गुस्से में आके बोलते हैं मैंने नहीं देखा है ऑलिवर को आज और ना ही मैं देखना चाहता हूँ बट अगर ऑलिवर तुमको मिलता है यानी वो बिल्कुल कहते हैं कि इफ़ यू फाइंड ऑलि तो ऑलिवर से कहते हैं ना कि भाई वो मेरे जो थर्टी फाइव यू नो डॉलर्स हैं जो वो मुझे ओ ओ करता है यानी यानी कि कि ही ही आई यू नो मनी मनी टू टू हिम सॉरी वो जो है उसके पास थर्टी फाइव डॉलर का मेरा उधार है एंड ही हैज़ टू रिटर्न बैक दैट मनी टू मी तो वो बोलते हैं अगर ऑलिवर तुमको दिख जाता है तो प्लीज मुझसे मेरे उसको बोल देना कि वो मेरे थर्टी फाइव डॉलर मुझे रिटर्न कर दे तो अगेन हमें पता चलता है कि उससे भी उन्होंने पैसे लिए होते हैं किसने लुटकिंस ने तो ऑलिताफ की शॉप पे भी यू you नो know, क्या होता है भाई फेलियर होता है वहां पे भी उनको ऑलिवो नहीं मिलता तो दो जगह

यू you नो know, जैसे उनके कस्टमर बोलते हैं ना कि एक यू you नो know, ये जो स्ट्रीट है मेन स्ट्रीट वहां नीचे जाते हुए मैंने देखा था किसको? को. तो ये फिर से बैठते हैं है, हैक में ढूंढने के लिए ऑलिवर को तो जैसे ही वापस ये हैक में बैठते हैं बिल यानी कि जो हैक है, है या जजमेंट यानी कि वो एक सॉर्ट ऑफ गेस करते हैं कि मुझे ऐसा लगता है सिंस क्रेडिट एट गुस्था क्योंकि यहां पर जो भी पैसे वो जितना भी उधार ले सकते थे या जितनी भी लिमिट थी उनकी उन्होंने वहां पर बिना पैसे दिए काम कराने की वो क्योंकि खत्म हो गया होगा उनका ही ग्रेज फॉर शेव क्योंकि अब उनको शेव कराना है तो डेफिनेटली वो ग्रेस की शॉप पे गए होंगे तो यहाँ हम गुस्ताव जो है जगह है वो बोलते हैं कि ग्रेस पे गए होंगे शेव कराने के लिए एग्जॉस्टेड मीन्स यूज और फिनिशिंग इट मीन्स यू मस्ट है कम्प्लीट मनी जो कुछ भी वो कर सकते थे गुस्ताव की शॉप पे तो अब डेफिनेटली उन्हें दूसरी जगह ढूंढी होगी फॉर द शेविंग एंड दैट इज ग्रेस

पूल रूम में बट पूल रूम में भी उनको पता चलता है नो कि वहां पे ओलिवर जो है वो सिगरेट्स खरीद कर वहां से जा चुके हैं सो वी परस्यूड हिम जस्ट बिहाइंड हिम बट नेवर कैचिंग हिम तो ऑबियसली ऐसे ही हो रहा था कि हाँ भाई अभी एक घंटे पहले यहाँ था फिर पांच मिनट पहले यहां था हाँ भी सिगरेट्स लेकर गया है तो ऐसा लग रहा था इन लोगों को कि हम उसके पीछे पीछे ही हैं किसके ओलिवर के बट हम उसको पकड़ नहीं पा रहे pursued यानी वी वी फॉलोड हिम वर चेजिंग हिम फोर एन आर टिल इट वॉज पास्ट वन ओ क्लॉक और एक घंटा हो चुका था वो उसी को ढूंढ रहे थे ऑलिवर को बट उनको कहीं पर भी ऑलिवर नहीं मिलता और अब जो है एक बच चुके थे आई वॉज हंग्री ओबियसली आफ्टरनून टाइम है वन टू पी एम जो है वो लंच टाइम होता है जनरली लोगों का तो इनको भी यू ना जो नरेटर है उनको भूख लगने लगती है बट आई हैव सो इंजॉयड बिल्स रफ कंट्री ओपिनियंस अबाउट हिज नेबर्स दैर आज केयर्सली केयर वेदर आई फाउंड लुटकिन और नॉट बट वो बोलते हैं कि भाई मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था या मुझे बिल्कुल यू you नो know, ना के बराबर ऐसा लग रहा था कि आई केयर कि मुझे लुटकिनस मिलेगा या नहीं मिलेगा उस चीज़ को लेकर वो बिल्कुल भी टेंशन में नहीं थे क्यों क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे बिल की कंपनी और जिस तरीके से बिल जो है वो अपने खुद के ओपिनियंस दे रहे थे रिगार्डिंग द प्लेस और उनके जो नेबर्स हैं वहाँ के जो लोग हैं वो सारे ओपिनियंस जो हैं उनको

लेट्स गो टू अ रेस्टोरेंट एंड आई विल बाय यू लंच तो नरेटर बोलते हैं कि लेट्स जस्ट गो टू अ रेस्टोरेंट एक रेस्टोरेंट में जाते हैं वहां पे मेनू कुछ खरीद लूंगा और तुम्हें भी कुछ खिला दूंगा वेल आई वंट टू गो होम टू द वाइफ तो हग ड्राइवर क्या बोलते हैं कि नहीं आई हैव टू गो टू होम मेरी वाइफ जो है वो लंच बनाएंगी तो मैं मुझे घर जाना पड़ेगा खाना खाने के लिए I don't care much for these restaurants. Only four of them, and they are all bad. तो so, है ड्राइवर क्या बोलते हैं मुझे ये रेस्टोरेंट restaurant समझ नहीं आते I don't care about them, क्योंकि सिर्फ चार रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर और चारों के चारों बहुत गंदे हैं टेन यू वॉट वी विल डू वी विल गेट द वाइफ टू पैकअप लंच फॉर रास शी वार्ज यू मोर देन हाफ अ डॉलर तो हैक ड्राइवर बोलते हैं कि मेरे पास एक आइडिया है हम क्या कर सकते हैं हम घर जाते हैं मेरी वाइफ को बोलेंगे कि भाई वो लंच पैक कर देगी आपके लिए भी मेरे लिए भी और आपको वो यू नो हाफ डॉलर से ज़्यादा चार्ज नहीं करेगी तो आपके लिए भी अच्छा होगा शी वार्ज यू मोर देन हाफ डॉलर एंड इट वुड कॉस्ट यू मोर फॉर अ ग्रीसी मील इन अ रेस्टोर बोलते हैं अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हो खाना खाने वहाँ पे खाना जो बहुत ग्रीसी या ऑयली सा खाना होगा और वो ज्यादा पैसों का मिलेगा आपको महंगा पड़ेगा एज कम्पेयर टू की जो लंच मेरी वाइफ आपको देगी पैक करके तो वो उनको सजेशन देते हैं कि हम अपने घर चलते हैं यानी कि हाथ ड्राइवर के घर जाते हैं बिल के घर जाते हैं वहाँ मेरी वाइफ जो है आपके लिए भी लंच पैक कर देगी और वो जो है सिर्फ हाफ डॉलर आपको चार्ज करेगी और विच इज बेटर कहाँ जाने के लिए बोलते हैं वहां हम बैठेंगे पूरा व्यू एंजॉय करेंगे और वहां बैठ के हम खाना खाएंगे तो वो उनको ये सजेशन देते हैं कि राधा गोइंग टू अर रेस्टोरेंट लेट्स जस्ट ऑप्ट फॉर दिस ओपिनियन दिस सजेशन एंड जस्ट गो एंड है लंच i know that bill's helpfulness to the young fellow from the city was not entirely a matter of brotherly love i was paying him for this time in the end i paid him for 6 hours including the lunch hour at what was then a very high तो वो बोलते हैं कि डेफिनेटली मुझे समझ आ रहा था कि बिल जो मेरी मदद कर रहा है यू नो रिलेटेड टू द वो, वो लेकर जा रहा है उनको दिखाने के लिए कि ऑल ओवर कहाँ कहाँ पे पॉसिबल है देन उनको खाने की बात करते हैं तो डेफिनेटली वो हेल्पफुलनेस जो है वो सिर्फ इसलिए नहीं थी कि वो जो है ना ब्रदरली हुड दिखा रहे हैं या फिर यू you नो know, वो एक काइंडनेस है उनमें इसीलिए वो कर रहे हैं आई वॉज पेइंग हिम फॉर दिस थिंग यानी कि वो जो भी टाइम अपना दे रहे थे जो भी लंच वगैरह दिया उन्होंने जो ये कैरियज की जो ड्राइव है हर एक चीज के लिए मैं पैसे पे कर रहा था एंड आई एंड पे पेइंग हिम फॉर सिक्स आवर्स पूरे छः घंटे के पैसे उनको एट दी एंड वो पे करते हैं यानी इतनी बड़ी जो होती है तो वो बहुत ज्यादा पैसा इसमें कमा लेते हैं एट वॉट वॉज देन अ वेरी स्ट दे no so ही हो गया था खर्चा क्योंकि सिर्फ थोड़ा बहुत उनको लग रहा था कि दो डॉलर फॉर एन आर वो मैं यू नो लेकर आया हूँ प्राइस को तो, तो मे बी एक डेढ़ घंटे में या दो घंटे में आई वुड भी एबल टू फाइंड ऑल एवर बट छह घंटे जो है इंक्लूडिंग द लंच आर की ड्राइव भी वो पे करते हैं किसको इस हैक ड्राइवर को तो वो समझ आते हैं हैक ड्राइवर को क्योंकि पैसे मिल रहे हैं इसीलिए वो इतना ज्यादा हेल्प मेरी कर रहे हैं बट वो बोलते हैं कि वो मुझसे ज्यादा डिसऑनेस्ट नहीं था क्यों I charge the whole thing to the फॉर्म क्योंकि मैं थोड़ा ना पैसे पे कर रहा था सारे पैसे जो है वो फर्म पे करती मैं उनको बिल देता और ये लॉ फर्म जो है वो मुझे पूरे पैसे रिटर्न कर देगी बट इट वुड हैव बीन वर्थ पेइंग हिम माई सेल्फ टू हैव हिज प्रेजेंस बोलते बट अगर मुझे खुद भी पे करना होते ये पैसे तो भी ये वर्थ है क्योंकि ये पर्सन जो है उनको बहुत सही लगता है जिस तरीके से वो फ्रेंडली है जिस तरीके से वो यू you नो know, वो अफेक्शन शो कर रहे हैं ब्रदरलीहुड शो कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनको लगता है कि मैं अगर खुद भी पैसे पे करूँ इस पर्सन को तो वो भी वर्थ है His cheerful country wisdom was a very refreshing to a country boy like me who was sick of the city. तो उनको लगता है कि वो एक जो you know village से related, town से related जो knowledge है इस person का वो मेरे जैसे इंसान के लिए जो बहुत ज़्यादा you know थक थक गया है या तंग आ गया है and he is very much you know irritated with this city side. उसके लिए ये opinion बहुत ही अच्छा था तो उनका जो चीयरफुल यानी बिल्कुल यू नो जो हैप्पीनेस ले है जो बिल्कुल हंसा दे किसी को वैसे जो ओपिनियन थे उनके वो ओपिनियंस बहुत अच्छे लगते हैं किसको नरेटर को

मिलियन तो वो जो है न्यू मिलियन के बारे में सारी बातें बताते हैं व्यूज के बारे में और डिफरेंट चीजें जो है डिस्कस करते हैं जो बिल हैं किसके साथ नरेटर के साथ जब ये लोग लंच कर रहे हैं हिल टॉप पे एंड पेंटेड अ पिक्चर इन वर्ड्स ऑफ ऑल द पीपल इन एट और एक पूरी पिक्चर यू नो फॉर्म कर दे रहे थे वो नरेटर के माइंड में जिस तरीके से वो लोगों का डिस्क्रिप्शन दे रहे थे किसको नरेटर को ही नोटिस्ड एवरी थिंग बट नो मैटर हाउ मच ही माइट लाव एट पीपल ही ऑल्सो अंडरस्टूड एंडेव देर फूलिशनेस तो नरेटर बोलते हैं कि वो हर एक चीज बता रहे थे बड़ी यू you नो know, मजाक उड़ा रहे थे लोगों का हर किसी के डिफरेंट डिफरेंट व्यूज बता रहे थे कि ये इंसान ऐसा करता है ऐसा करता है बट भले ही वो सबका मजाक उड़ा रहे थे बट डेफिनेटली वो जो उनकी फूलिशनेस है जो लोगों के बारे में स्टूपिडिटी है या लोग जो हैं बहुत है बहुत अजीब तरीके से बिहेव करते हैं उन चीज़ों को वो माफ भी करते जा रहे थे फॉगिफ भी करते जा रहे थे तो दोनों ही व्यूज जो है नरेटर को मिल रहे थे किसके थ्रू बिल के थ्रू क्लियर ऑल राइट

उनका मजाक भी उड़ाते हैं बट ऑब्वियसली ये भी बोला गया है कि जिस तरीके से उनकी जो फूलिशनेस है उसे भी कहीं ना कहीं यू you नो know, वो फॉरगिव करते जा रहे हैं तो सबसे पहले वो जिसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं वो कौन है वो है वाइफ हु लाउडेस्ट इन द चर्च वेन शी वॉज मोस्ट इन डेप यानी कि जब उन उनपे सबसे ज्यादा कर्जा होता है या फिर सबसे ज्यादा पैसे वैसे का यू नो प्रॉब्लम है उनका तो वो सबसे तेज यू you नो know, चर्च में गाना गाती हैं यानी कि शी इज लाइक द वन जो भगवान को तब पूछते हैं या फिर तब प्रेयर्स करती हैं जब उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं He commented on the boys who came back from the college in fancy clothes. फिर वो दूसरी जो चीज यहाँ comment करते हैं वो ये है कि वहाँ पर कोई college होगा और वहाँ से कोई boys बाहर आ रहे होंगे. Now they must be dressed up in fancy clothes, बिल्कुल अलग से you know, अच्छे से कपड़े पहन के आ रहे होंगे वो. तो उसपे भी वो कुछ comment करते हैं उन लड़कों पे. He told about the lawyer whose wife could never succeed in getting him to put on both a collar and a tie on the same day. तो जो बोलना चाह रहे थे वो कि एक

He made them all live or live. All that day I came to know new Mulian better than I did the city and to love it. बेटर और ये सारी बातें जो है ना वो ऐसा लग रहा था कि उनके सामने एक लाइव इमेज चल रही हो वो बिल्कुल इस तरीके से बता रहे थे कि कोई भी ये इमेज फॉर्म कर पाए अपने माइंड में तो नरेटर बोलते हैं कि उस दिन मुझे समझ आया कि यू नो you know, जो न्यू म्यूलियन है वो बेटर है देन आई डिड द सिटी एंड टू लव इट बेटर तो उनके लिए न्यू म्यूलियन का जो एक बोल सकते हो सीन थी या इमेज थी दिमाग में वो क्या हो गई थी कि बहुत ही डल सी जगह है यू नो रिवर मड है बिल्कुल वुडन शॉप्स हैं डल पेंटेड हैं या नॉट पेंटेड टॉल है बट जैसे ही बिल जो है एक दूसरा साइड डिस्क्राइब करते हैं अपने टर्म्स में उस जगह का तो डेफिनेटली उनको ये जगह जो है वो अच्छी लगती है एंड बेटर देन वॉट ही वॉज थिंकिंग दिस प्लेस टू बी लाइक Bill did not know about colleges and cities, but he had travelled around a lot of the country and had had a lot of jobs. तो नरेडर बोलते हैं कि डेफिनेटली Bill जो है वो कभी कॉलेज वगैरह नहीं गए थे पढ़े लिखे नहीं हैं वो but वो जो है जो भी यू नो कंट्री है यानी कि जो विलेज है उसको बहुत घूमा है उन्होंने बहुत ज़्यादा वो घूमे हैं इस विलेज में and had had a lot of jobs और बहुत ज़्यादा jobs भी की हैं उन्होंने और जितना पढ़ाई से you know experience नहीं मिलता obviously बात हो तो जॉब से मिल जाता है तो वो बोल रहे हैं कि डेफिनेटली ये कॉलेजेस सिटीज वगैरह गए नहीं हैं बट इन्होंने जितने काम किए हैं जितना ये घूमे हैं विलेजेस में उससे इनके एक्सपीरियंसिस बहुत ज़्यादा हैं।

वो बिलीव जो है वो वापस लेकर आए हैं एंड ही स्ट्रेंथ मी और ये जो चीज़ है ना उससे नरेटर अपने आप को बहुत ज्यादा मजबूत या फिर बहुत हैप्पी फाइंड करते हैं डेफिनेटली जो यू you नो know, पैसा या फिर बोल सकते हो फेम नेम इन सब चीज़ों से ज़्यादा अगर आपको कोई चीज़ चेंज करती है वो क्या होती है हैप्पीनेस राइट right? अगर आपको पता है कि डल मोमेंट्स को भी यू you नो know, बिल्कुल ब्राइट मोमेंट्स में कैसे चेंज करना है इफ़ यू नो हाउ टू यू नो जस्ट फाइंड हैप्पीनेस इन एवरी यू सी अराउंड यू इन फ्रंट ऑफ

एक ब्रेक था खाना वाना खा रहे थे वो हिल टॉप पे तो वो जो पीसफुल सीन था जहाँ पे भी ग्रीनरी हो शांति हो यू नो ब्यूटिफुल रिवर हो तो ये सारे सीन्स क्या होते हैं बहुत ही पीसफुल सीन राइट तो सेम सीन जो है ऑफ मियाडोज दैट इज द पैस्टर्स ऑफ द फील्ड ऑफ द ग्रास लैंड वो जो सीन है वो छोड़कर अब उनको वापस से अपना काम रिज्यूम करना था वापस से बिगिन करना था दे हैव टू री स्टार्ट फाइंडिंग ऑल ओवर लुटकिन वी कुड नॉट फाइंड हिम बट वो उनको नहीं मिलता है एट लास्ट बिल कॉर्नर्ड अ फ्रेंड ऑफ लुटकिन एंड मेड हिम एडमिट वॉट ही

Oliver's gone out to his mother's farm फार्मी miles north. और उनको पता चलता है कि यहाँ से अगर north की तरफ हम थ्री miles का distance cover करें तो वहाँ पर Oliver की जो mother है उनका farm है और उस farm में ही Oliver वहाँ हमको अभी मिलेंगे We drove out there laying plans. और फिर ये लोग सोच रहे थे किस तरीके से यू नो डील करना है वहां पर जाकर ऑलिवर का घर ही हुआ वो तो ऑलिवर के घर में जाके ऑलिवर को कैसे हम पकड़ेंगे ये सब प्लानिंग करते हुए वो लोग वहां तक ड्राइव करते हुए जा रहे थे तो अभी तक हम फ्रेड्स की बात कर चुके हैं गुस्ताफ्स की बात कर चुके हैं मेन स्ट्रीट की बात कर ली हमने ग्रे शेप शॉप बात कर ली देन हमने देखा कि ये लोग खाना खाने हिल टॉप पे जाते हैं एंड देन नेक्स्ट जो है पूल रूम देखा देन खाना खाने जाते हैं एंड देन नेक्स्ट फाइनली ये कहाँ जा रहे हैं ऑल ओवर मदर्स फार्म तो आपको ये सारा सीक्वेंस पता होना चाहिए बिकॉज जो भी नाम दिए हुए हैं यू विल गेट टू यू नो राइट देम इन टू योर आंसर्स टू मोर मेक देम मोर प्रेजेंटेबल क्लियर

एक्स तो वो अपना एक इंसिडेंट नरेट कर रहे हैं कि कैसे वो जानते हैं यू नो ऑल ओवर की मदर को तो बोलते हैं एक बार जो है क्योंकि हमें पता है उनका कटिंग और हैकिंग दोनों का बिजनेस है तो बोलते हैं एक बार मैं एक ट्रंक लेके जा रहा था सॉर्ट ऑफ ट्रंक जो है ज्यादातर आयन बॉक्सेस होते हैं या फिर कोई और डिफरेंट बॉक्स होगा उनका तो वो ट्रंक जो है वो उनकी मदर के लिए लेके जा रहे थे एंड शी ऑलमोस्ट टुक माई स्किन ऑफ और वो ऑलमोस्ट उनको इतना ज्यादा सुना देती है इतना ज्यादा यू नो उनके साथ बिहेव करती है बुरा बिहेव करती है कि ऐसा लग रहा था कि ऑलमोस्ट उनकी स्किन ही निकाल देगी यानी इतनी बुरी तरीके से उनको पीट देंगी बिकॉज आई डिड नॉट ट्रीटेड लाइक अ बॉक्स ऑफ एग्स क्योंकि ऑलिवर की मदा चाहती थी कि उस ट्रंक को इतना डेलीकेट वे में ट्रीट करो जैसे कि यू you नो know, वो एक बॉक्स ऑफ एग्स हो जैसे एग्स को अगर थोड़ा भी यू नो फोर्स लगेगा तो वो टूट जाएंगे सिमिलरली वो जो ट्रंक है उसको भी उतनी ही प्यार से उतनी डेलीकेट वे में ट्रीट करना चाहती थी उनकी ऑलिवर की मदा और ये नहीं करते हैं, बिल तो वो बोलते हैं कि बिल को यू you नो know, इतनी तरीके से उन्होंने चिल्ला दिया बुरी तरीके से, से ट्रीट करती हैं कि इट वॉज लाइक शी वुड एनी मोमेंट टेक द स्किन आउट ऑफ बिल शी इज अबाउट नाइन फीट टॉल एंड फोर फीट थिक एंड क्विक एज अ कैट एंड शी श्योर कैन टॉक तो वो जो है आप डिस्क्राइब करते हैं कैसे दिखती है ऑलोवर की मादा वो ऑलमोस्ट नाइन फीट टॉल है इतनी ज्यादा उनकी हाइट है फोर फीट थिक है फोर फीट मोटी है वो एंड क्विक एज अ कैट और जैसे कि कैट कैसे होती हैं एक सेकेंड में उन्होंने उनकी स्पीड देखी हुई है आपने कितनी तेज होती है तो वो इस तरीके से उनको बोल रही है कि वो उतनी जल्दी रिएक्ट करती हूँ उतनी जल्दी है अपने यू नो ओपिनियंस में या अपने एक्शंस में एंड शी श्योर कैन टॉक एंड शी विलेटली टेला ऑलिवर लुटकिन कहाँ पर है यहाँ कहाँ पर गया है आई बेट ऑलि हर्ड दैट समबी इज चेजिंग हिम एंड ही इज गॉन ऑन दैर टू हाइड बिहाइंड दिस मदर्स तो वो बोलते हैं कि डेफिनेटली मुझको लगता है मैं शर्त लगा सकता हूँ आई कैन बेट ऑन इट कि ऑलिवर को किसी से तो पता चला है कि उनको कोई ढूंढ रहा है कोई चेज कर रहा है और इसी डर की वजह से वो अपनी मम्मी के घर जाकर उनके पीछे छुप गए हैं

मैं खुद डील करूंगा ओवर की मदर के साथ कि कैसे मुझे ओवर लुटकिंस के बारे में पता लगाना है वहां पर जाते हैं और वहां वो क्या करते कि वहां एक इन चीयफुल ओल्ड वुमेन है इनॉमस यानी कि बहुत बड़ी है बिकॉज नाइन फीट फोर फीट थे बात हुई है तो बहुत ही बड़ी सी एक वुमन उनको दिखाई देती है एंड शी इज चेयरफुल ओल्ड वुमन खुश है बिल्कुल ऐसी

ओलिवर तो वो जाके यू नो उनको रिमाइंड करते हैं कि मैं कौन हूँ बिल मैगनसन हूँ मैं वही हूँ जो कि कार्टर है और एक हेथमैन है यानी मैं हेथ ड्राइवर हूँ और मैं काटिंग का काम करता हूँ का और मैं जो हूँ आपके बेटे ओलिवर को ढूंढ रहा हूँ आई डोंट नो एनी तो उनकी जो मदर है वो एकदम से चिल्ला के बोलती हैं मुझे नहीं पता कि ओलिवर कहाँ पर है और ना ही मैं जानना चाहती हूँ कि ओलिवर कहाँ है यानी कि यहाँ पे भी शायद ओलिवर नहीं है या फिर उनकी मदर उनको छुपा रहे हैं डोंट नो तो वो तो स्ट्रिक्टली मना कर देती है कि भैया नहीं आप ऑल ओवर नहीं है एंड आई डोंट इवन वॉन्ट टू नो कि वेर ही इज क्लियर ऑलराइट नाउ लुक हेर वी हैव हैड जस्ट अबाउट इनफ नॉन सेंस दिस यंग मैन रेप्रजेंट द कोर्ट इन दिटी एंड वी हैव लीगल राइट टू सर्च ऑल प्रॉपर्टीज फॉर दिस ऑल ओवर लुटकिन तो अब बिल जो है बिल्कुल ही यू नो ब्रेव तरीके से बिल्कुल धमकी देते हैं उनके मदर को क्या बोलते हैं कि भाई ध्यान से देखो यहां पर कि हम ऑलरेडी बहुत कुछ देख चुके हैं हम ऑलरेडी बहुत नॉन सेंस यू नो एक्सपीरियंस कर चुके हैं बिकॉज दे हैव बीन यू नो फॉर आर्स दे आर ड्राइविंग एंड फाइंडिंग ऑल ओवर लुटकेंस और कुछ नहीं हो रहा था उनको कहीं ऑल ओवर नहीं मिल रहे थे तो डेफिनेटली वो इिरीटेट हो गए फ्रस्ट्रेट हो गए

तो वो बोलते हैं कि ये रिप्रेजेंट करते हैं यानी बी अपॉइंटेड टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ और स्पीक फॉर समवन यानी कोर्ट ने अपने बिहाफ पर इनको भेजा है एंड वी हैव लीगल राइट टू सर्च ऑल प्रॉपर्टीज फॉर दिस ऑल ओवर लुटकिन और क्योंकि ये खुद एक लॉ फॉर्म से हैं एक ये लीगल राइट right है हमारे पास हक है कि हम पूरी प्रॉपर्टी सर्च कर सकते हैं कि ओवर लुटकिन आपके घर में छुपे हुए हैं या नहीं बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिस्क्राइब कर रहे थे भैया लॉ से आया हूँ कोर्ट को रेप्रेजेंट कर रहा हूँ तो मुझे बड़ा यू नो ऐसा लग रहा था कि बिल मुझे बहुत इंपॉर्टेंट साउंड करा रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ और ये सुनकर उनको लग रहा था कि ऑलिवर की जो मदर है वो भी इम्प्रेस हो गई थी कि वाह दिस मैन बिलोंग्स टू द कोर्ट शी रिटायर्ड इन टू द किचन एंड वी फॉलोड तो वो चली जाती है कहाँ किचन की तरफ जाती हैं वो चलकर और ये दोनों उनके पीछे पीछे जाते हैं उनको क्या लगता है मे बी उनकी मदर जो है वो डर गई है शी इज लाइक ठीक है भाई चेक कर लो पूरी प्रॉपर्टी के कहीं ऑल ओवर आपको मिलता है तो इट्स ओके शी सीज एन आयरन फ्रॉम द ओल्ड फैशन स्टोव एंड मार्ज ऑन अस शाउटिंग पर होता क्या है जो इनकी मदर है ओलिवर की जाती हैं एक पुराना सा कोई यू नो स्टोव है उस पर से आयन उठाती हैं और आयन जो है उसको सीज यानी कि शी जस्ट क्या कॉटेड शी जस्ट ग्रैस्पेड या ग्रैपडेड बोल सकते हो तो वो बहुत तेज से यू नो आयन को पकड़ती है और इनके पीछे बिल्कुल जा रही हैं एंड मास्ड ऑन अस शाउटिंग और बहुत जल्दी 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 इनकी तरफ जा रही हैं, चिल्लाते हुए और क्या बोल रही हैं यू सर्च ऑल यू want टू इफ़ यू डोंट माइंड getting इंग बर्न फर्स्ट तो वो जो है इनको धमकी देती है कि जाके सब कुछ ढूंढ लो पूरी प्रॉपर्टी सर्च कर लो ऑल ओवर चाहिए तो बट अगर तुमको पहले जलने में या बर्न होने में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो यानी to, you know, कि शी ब्रॉड दिस आयन जस्ट टू यू नो टेल दैम कि इफ यू वॉन्ट टू कम एंड सर्च फॉर ऑल ओवर इन माई प्रॉपर्टी यू हैव टू गेट बर्न फर्स्ट फ्रॉम दिस आयन

कि यू नो लेट्स गेट आउट गेराउड यहां से चले जाते हैं बिकॉज इस वुमेन का कोई भरोसा नहीं है शी कैन किल अस शी कैन मर्डर अस आउटसाइड ही सेड डिड यू सी हर स्माइल शी वॉज लाफिंग लाफिंग अस आई अग्री दैट इट वॉज प्रिटी डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट तो जैसे ही बाहर चले जाते हैं ऑब्वियसली डर गए लोग ऑलिवर की मदर से तो वो जो है ऑलिवर को बोलते हैं बिल सॉरी बिल जो है वो नरेटर को बोलते हैं कि देखा यू you नो know, किस तरीके से वो हम पे हंस रही थी तो नरेटर भी अग्री करते हैं कि यस दिस वाज यू नो अ डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट बहुत बुरा ट्रीटमेंट किया उन्होंने दिस अ रूट ऑन बिहाफ ऑफ ओलिवर्स मदर We did, however, search कहीं ऑल ओवर मिल जाए क्योंकि छोटा सा घर था ज्यादा इतना नहीं था कि फ्लोर्स वगैरह हैं तो बहुत ज्यादा उनको मेहनत करनी पड़ेगी तो बोलते बिल जो है वो अंदर गए थे हर जगह उन्होंने देखा यू नो वगैरह हर जगह उन्होंने खोल खोल के देखी पीछे पीछे देखा कि कहीं ऑल ओवर उनको मिल जाए तो उन्होंने सर्च तो कर लिया था घर ऐसा नहीं था कि बिना सर्च करे वो घर से वापस आ गए थे वी the barn एंड स्टेबल वी वर रीजनेबली certain दैट लुटकिन was नॉट और फिर नेक्स्ट ये एग्जामिन प्लेस देसर हॉर्स इज टाइड अपनों जगह देखते हैं जहां पर हॉर्सेस को रखते हैं स्टेबल वो भी चेक कर लेते हैं वो जो बान है आउट हाउस है उसको भी चेक कर लेते हैं कि कहीं ऑल ओवर उनको दिख जाए बट ये लोग जो है वो रीजनेबली सर्टिन थे कि हाँ वहां पर लुटकिन नहीं है इट वॉज नियरली टाइम फॉर मी टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन एंड बिल ड्रॉव मी टू देशन और अब वो आफ्टरनून ट्रेन जो इनको कैच करनी थी उसका टाइम हो गया था तो बिल जो है इनको अब स्टेशन पे ड्रॉप कर देते हैं और ये फिर जाने की तैयारी में रहते हैं तो डेफिनेटली इन कोशिश तो बहुत की बट ऑल ओवर इनको नहीं मिलता है ऑन द वे टू दिटी आई व रीड वेरी लिटिल ओवर माई फेलियर टू फाइंड लुटकिंस आई वॉज टू बिजी थिंकिंग अबाउट बिल मैगन्यूसन तो जो नरेटर हैं वो बोलते हैं कि जब मैं सिटी के लिए वापस जा रहा था ट्रेन में तो ऑब्वियसली मैं फेल हुआ था राइट right? मैं अपना मिशन कंप्लीट नहीं कर पाया था मैं नहीं ढूंढ पाया था ऑल ओवर को तो डेफिनेटली उस चीज़ पे मुझे बुरा लगना चाहिए बट बोल रहे कि मैं उस चीज़ को लेके बिल्कुल भी वरी डिता नहीं था टेंशन में नहीं था मैं सिर्फ एक ही के बारे में सोच रहा था और वो था बिल मैगन्यूसन यानी हैक ड्राइवर के बारे में रियली आई कंसिडर्ड रिटर्निंग टू न्यू म्यूलियन टू प्रैक्टिस लॉ एंड व सो इम्प्रेस्ड विद दिस पर्सन विद द प्लेस कि वो जो है सोच रहे थे कि मुझे लॉ प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे शिफ्ट हो जाना चाहिए यानि न्यू म्यूलियन जाना चाहिए इफ़ आई हेड फाउंड बिल्स सो डीप एंड रिचली ह्यूमन माइट आई नॉट ग्रो टू लव फ्रिज एंड गुस्ताफ एंड अ हंड्रेड अदर स्लो स्पोकन सिंपल वॉइस नेबर्स तो वो बोलते हैं कि इफ़ आई हैड फाउंड बिल अगर मुझे बिल जो है वो इतना डीप और रिचली ह्यूमन जो है ऐसा दिख जाता माइट आई नॉट ग्रो टू लव फ्रिट्स एंड गुस्ताफ़ तो उसी तरीके से जो वहाँ के नेबर्स हैं उनसे भी मुझे इतना ज़्यादा यू नो वो नहीं हो पाता अफेक्शन जैसे फ्रिट्स हो गए गुस्ताफ़ हो गए जो कि बहुत यू नो वहाँ पर और भी लोग थे जो बहुत स्लो स्पोकन थे सिंपल थे बहुत अच्छे नेबर्स थे तो वहाँ के लोगों के बारे में वो सोच रहे हैं यू you नो know, बिल के बारे में सोच रहे हैं कि कितना अच्छा वो इंसान है

I and I was excited. I had found a treasure. I had discovered a new way of life. और वो बोलते हैं कि मैं बहुत खुश था क्योंकि मुझे एक बहुत treasure यानी valuable मिल गया था अपनी life का और वो क्या था कि एक new way of life मुझे समझ आ गया था एक new perspective मुझे मिल गया था कि life में मैं नई तरीके से कैसे जी सकता हूँ because of a bill. तो bill की वजह से उनको एक new perspective मिल गया था towards life कि कैसे छोटी छोटी चीज़ों में इन्होंने you know, खुश रहना चाहिए ऑल राइट बट इफ आई डिड नॉट थिंक मच अबाउट डेड बट यहां पर बोलते हैं भले मैं इतना नहीं सोच रहा था ऑलिवर के बारे में बट ऑफिस में सब उतना ही ज्यादा सोच रहे थे किसके बारे में ऑलिवर के बारे में आई फाउंड अपसेट तो सब बहुत थे कि ये काम नहीं कर पाया लुटकिंस को नहीं लेके आ पाए क्योंकि अगली मॉर्निंग जो है नेक्स्ट मॉर्निंग जो है कोर्ट जो है में केस जो है जो भी पर्टिकुलर केस था जिसके विटनेस थे ऑलिवर वो प्रेजेंट होने वाला था और उसके लिए लुटकिंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी था आई वॉज अ शेम फुल यूजलेस फूल और वो बोलते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक शेम फुल इंसान हूँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्यों क्योंकि मैं लुटके हंस को ढूंढ भी नहीं पाया और मुझे बुरा भी नहीं लग रहा अपने फेलियर पर तो वो क्या बोलते हैं कि मैं एक शेमफुल यूजलेस फूल लग रहा था शेमफुल मीन्स डिसग्रेसफुल

द चीफ ऑलमोस्ट मर्डर्ड मी और वहाँ के जो मेन थे वो जो है चीफ वो ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि इनको इनका मर्डर ही कर देंगे यानी वो इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट या एंग्री हो चुके थे किससे हमारे नरेटर से क्योंकि नरेटर जो है अपनी जॉब कर नहीं पाए थे

Mulian U. I was ordered back to New Mulian and with me went a man who had worked with Lutkins. और अगेन इनको बोला जाता है कि अब वापस से तुम्हें न्यू म्यूलियन जाना है और जाके लुटकिंस को लेकर आना है बट इस बार वो अकेले नहीं जा रहे थे इस बार एक और पर्सन को उनके साथ भेजा था जो कि ऑलरेडी लुटकिंस को जानता था

कार्ट और जैसे ही स्टेशन पे ट्रेन पहुंचती है तो वो क्या देखते हैं कि बिल जो है अपने कार्ट के साथ स्टेशन पे खड़े हुए हैं स्ट्रेंजली enough दैट ओल्ड

है, right? कि वो इसी तरीके से से बिहेव करेंगी बिल के साथ, but totally opposite देखने को मिल रहा था. फिर जैसे ही उतर रहे होते हैं ट्रेन की स्टेप्स जो सीढ़ियां हैं उससे उतर रहे होते हैं तो वो जो है अपने को बताते हैं बिल की तरफ पॉइंट करके कि वो एक इंसान है और कंपेनियन मीन्स द एसोसिएट और पार्टनर है यानी द पर्सन हु केम विथ यू नो द नरेटर टू फाइंड लुटकिन again. Then he helped you hunt for Oliver Lutkins. Yes, he helped me a lot. तो वो जो companion है वो इनसे question करते हैं कि you know नो यही वो person है क्या जो Lutkins को ढूंढने में तुम्हारी help करता है तो narrator बोलते हैं हाँ उसने मेरी बहुत ज्यादा help की है he helped me a lot to find Oliver.

चीज का सबसे ज्यादा बुरा लगा वो ये था कि जब मैं उनको समन सर्व कर रहा था यानी कि जब मैं उन्हें ऑर्डर्स दे रहा था उस वक्त क्या होता है लुटकिन मदर एट मी एज दो आई वर अ ब्राइट बॉय ऑफ सेवन तो वो बोलता है मुझे सबसे ज्यादा बुरा इस चीज़ का लग रहा था कि जब मैं इन लोग को समन दे रहा था या ऑर्डर दे रहा था उस वक्त तो लुटकिन यानी ऑल ओवर लुटकिन और उनकी जो मदर हैं वो मुझ पर इस तरीके से हंस रहे थे जैसे कि मैं कोई सात साल का बच्चा हूँ विथ लविंग काइंडनेस दे me to go with them to a अबर्स house for a cup of coffee. और फिर वो बोलते हैं विथ लविंग काइंडनेस यानी बहुत ही प्यार से वो इनसे रिक्वेस्ट करते हैं बैक करते हैं टू रिक्वेस्ट कि यू you नो know, हमारा एक नेबर है या फिर हमारे जो पड़ोसी हैं जो नेबर्स हैं उनके घर चलो फॉर अ कप ऑफ कॉफी आई टोल्ड देम अबाउट यू एंड दे आर एंशियस टू लुक एट यू सेड लुटकिन जॉयफुली तो लुटकिन जो है बहुत ही हंसते हुए बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे बारे में अपने नेबर्स को बताया और वो बहुत ज्यादा एंशियस हैं बहुत ज्यादा यू नो वो बोल सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा ईगर हैं टू नो कि तुम कौन हो सो दे आर लाइक कंसर्न और वरीड और दे आर लाइक वेरी मच बोल सकते हो एक्साइटेड टू नो कि हु इज दिस पर्सन जिसके बारे में लुटके समय बता रहे हैं

तो so ऑब्वियसली जो नरेटर हैं या यंग लॉयर हैं वो बहुत इनोसेंट हैं बिकॉज़ फॉर एग्जाम्पल चलो आप ऐसा कंसिडर करो कि आप किसी न्यू प्लेस पे जाते हो आपको भी यही काम दिया गया है यू हैव टू सर्च अ पर्सन तो डेफिनेटली आप इंक्वायर करोगे जैसे कि नरेटर करते हैं बट क्या ऐसा होगा कि आप यू नो बिलीव कर लोगे बिल्कुल आँख बंद करके कि हाँ ये पर्सन मेरी हेल्प कर रहा है तो लेट मी जस्ट गो विद दिस पर्सन फाइंड दैट पर्टिकुलर पर्सन राइट क्योंकि आपको पता है कि आप ओलिवर को ढूंढने जा रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा कि किया है इग्नोर कर रहे थे इतने से letters को, तो आपको डेफिनेटली ये चीज दिमाग में रखनी चाहिए कि यू you नो know, मैं एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहा हूं जो डेफिनेटली इतना ज्यादा ईजी तो होगा नहीं पकड़ना किसी को राइट right? तो नरेटर जो है ना बिलीव कर लेते हैं किसी अननोन पर्सन पे स्ट्रेंजर पे जिस तरीके से उन्हें लगता है कि यार ये कितना अच्छा इंसान है ये मेरी हेल्प कर रहा है उन्हें थोड़ा बहुत यू you नो know, बोलना चाहिए कि कॉशियस रहना चाहिए था कि मैं एक स्ट्रेंजर के साथ एक अननोन प्लेस पे किसी एक पर्सन को ढूंढने आया हूँ एंड ऑल्सो ये मेरा काम है तो उन्हें अपने काम के लिए सीरियस होते हुए सारे प्रिकॉशंस लेने चाहिए थे एंड ऑल्सो बिकॉज उन्होंने ऑनर्स किया है ग्रेजुएट हुए हैं लॉ फॉम में जॉब कर रहे हैं तो उनमें इतना ज़्यादा तो यू you नो know, होना चाहिए था सेंस कि, कि किस तरीके से मुझे सिचुएशन के

तो डेफिनेटली जो नरेटर हैं वो एक इनोसेंट पर्सन है और जिस तरीके से वो बहुत जल्दी बिलीव कर लेते हैं इस हार्ड ड्राइवर पे वो उनकी बहुत बड़ी मिस्टेक है ऑल्सो जो हम एक और चीज सीखते हैं इस चैप्टर से अगेन लाइक वन ऑफ द स्टोरीज़ जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं दैट इज़ कि जो हमारे यू नो अपियरेंस होते हैं या किसी का भी कोई अपियरेंस होता है दैट कैन ऑफन भी मिसलीडिंग दैट कैन भी डिसेप्टिव इसका मतलब क्या हुआ कि जैसा कोई इंसान दिखता है ज़रूरी नहीं है वो वैसा ही हो राइट क्योंकि यहाँ पर बिल जो है यानी कि जो हैड ड्राइवर हैं वो नरेटर को बहुत ही काइंड बहुत ही यू you नो know, अच्छे इंसान दिखते हैं बट ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं है कि वो जिस तरीके से प्रिटेंड कर रहे थे अपने आप को इतने ज़्यादा काइंड हो रहे थे इतनी ज़्यादा हेल्प कर रहे थे एक स्ट्रेंजर की वैसे ही वो हो हो सकता था कि उनका मोटिव कुछ और हो तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि अपियरेंसेज डेफिनेटली डिसेप्टिव हो सकते हैं ऐसा भी हो सकता है कि जो इंसान आपको ऐसा दिखने में लग रहा है कि यू नो ये अच्छा इंसान नहीं है वो बहुत काइंड प्रूफ हो और जो इंसान आपको दिखने में ऐसा लग रहा है कि यार बहुत काइंड है बहुत अच्छा है वो बिल्कुल ऑपोजिट निकले तो ये चीज भी हमें इस चैप्टर से सीखने को मिलती है तो यू नो आपको डिफरेंट क्वेश्चन आ सकते हैं कि किस तरीके से यू नो नरेटर ये सिचुएशन को अवॉइड कर सकते थे या आप एज अ पर्सन कैसे अवॉइड कर सकते हो वो ऐसी टाइप की सिचुएशंस को कैसे डील करना है बिल टाइप के लोगों से कैसे यू नो ऑलिवर को वो अपने तरीके से ढूंढ सकते थे ये सब चीजें जो हैं वो पूछी जा सकती हैं एंड वन मोर थिंग कि अगर वो एक ऑलिवर जो कि यू नो जिस जो उनका मोटिव था या विक्टिम था जिसे उन्हें ढूंढना था तो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन तो उनको गैदर करके जाना चाहिए थी ना कि ओलि कैसे दिखते हैं वो किसके साथ रहते हैं विलेज में कहाँ पर उनका घर है अगर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन वो निकाल के जाते जो एक कंपेनियन ऑलरेडी काम कर चुके हैं लुटकिंस के साथ तो वो उनके बारे में उनसे इन्फॉमेशन पूछ सकते थे थोड़ा बहुत इकट्ठा कर सकते थे जो कि एक लॉयर को करना चाहिए राइट बट वो ये भी नहीं करते विदाउट एनी इन्फॉमेसन वो चले गए हैं ओलि को ढूंढने तो डेफ़िनेटली डिफ़िकल्टी तो आने वाली है तो अगर वो इन्फॉमेशन भी गैदर कर लेते थोड़ा बहुत यहाँ पर भी सेंस यूज़ कर लेते तो डेफ़िनेटली वो नरेटर के लिए ये पोजिशन या ये जो स्टोरी है वो इस तरीके से टर्न आउट नहीं होती और वो बहुत ईजीली जो है ऑल ओवर को कैच कर सकते थे क्लियर तो ये सब कुछ चीजें हैं जो हमें लगती हैं अगर ऐसा होता तो स्टोरी में बहुत से चेंजेस दिखते एंड ऑल्सो वट इज द मॉरल मैसेज वट इज द थीम ऑफ द स्टोरी दैट वी गेट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर ऑल राइट नाउ लेट्स रीड दिस समरी क्विकली सो दैट वी गेट अवर व्यू कि कैसे हमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में अपने आंसर्स प्रेजेंट करने हैं

ये एक जो चीज है ना वो बहुत लोगों के साथ होती है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि मेरी जॉब में जैसे ही मैं एंटर हूंगा तो मेरे साथ ऐसा ऐसा, ऐसा होगा मेरे को बिल्कुल बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलेंगे बट ऐसा होता थोड़ी ना बिकॉज ऑब्वियसली हर किसी को एक्सपीरियंस होना चाहिए उस फील्ड में अब एक्सपीरियंस कब आएगा जब आप ऑब्वियसली कहीं जॉब करोगे और जॉब करोगे तो डेफिनेटली आपको एकदम से तो बिल्कुल ऐसा नहीं बोल देंगे ना कि आप इस बड़े प्रोजेक्ट पर काम कीजिए तो आपको छोटी मोटी चीजों से ही सीखना पड़ेगा अब हो सकता है डेफिनेटली यहाँ पे जो यू नो इनको जॉब दी गई थी कि सामं सर्व करना है, वो बहुत हार्श सिचुएशन लेके आती है उनकी लाइफ में कुछ लोग उनको नो मारते हैं बीट करते हैं तो वो डेफिनेटली पॉजिटिव चीज नहीं है बट इनको ये अगर चीज समझ जाती कि ठीक है इसे अच्छे से कर लेता हूं मे बी इफ आई डू इट वेरी वेल आई गेट प्रमोटेड आई गेट टू द नेक्स्ट स्टेप क्लियर तो अगर वो इस चीज़ को भी पॉजिटिवली एक्सेप्ट कर लेते कि कोई बात नहीं भाई जॉब है करना तो है ही ट्रेनिंग पीरियड है कब तक होगा ऐसा राइट थोड़े समय की बात है लेट मी जस्ट यू नो वर्क ऑन इट एंड देन मे बी आई गेट प्रमोटेड तो अगर ऐसा भी सोचते ना तो मे भी वो ये जॉब इन्जॉय करते तो ये चीज़ भी आपको इंडायरेक्टली कहीं ना कहीं सीखने को मिलती है कि वट एवर यू गेट टू डू यू नो जस्ट गिव यू हंड्रेड परसेंट ऑल्सो लव वॉट यू आर डूइंग बिकॉज इफ़ यू डोंट यू नो जस्ट गिव दैट हंड्रेड परसेंट विथ हैप्पीनेस विथ यू नो दैट एलिमेंट ऑफ चीयरफुलनेस विद डैट बोल सकते हैं लाइक लाइकिंग जो होती है ऑफ द जॉब दैन डेफिनेटली यू डोंट गेट द रिजल्ट एज पर योर एक्सपेक्टेशंस और एज पर वॉट यू आर डिज़ायरिंग क्लियर तो यहाँ पे ये भी एक चीज़ थी कि वो हैप्पी नहीं थे अपनी जॉब से तो वो अपना वो उस तरीके से नहीं सोच पा रहे थे इन्हों की लुटकिनस को जब वो नहीं ढूंढ पाते हैं तो ही इज़ नॉट लाइक वरीड कि मैं लुटकिनस को नहीं ढूंढ पाया हूँ बल्कि होना चाहिए राइट इट्स योर जॉब यू शुड भी वरी बट वो नहीं होते हैं क्लियर तो यहाँ पे ये जो चीज़ है कि वॉज नॉट हैप्पी विद हिस जॉब डिज ऑल्सो समवेयर यू नो टेल्स यू कि हाउ यू कैन बी हैप्पी इन योर लाइफ One day, he got the task of serving summons to Oliver Lutkins, who was a key witness in some case. So, Oliver Lutkins के बारे में हमें सबसे पहली चीज़ यही पता है कि he was a key witness to one of the cases, और उनकी वजह से ये case बहुत easily close हो सकता था. He lived in a small town named New Mullion, और वो जो है एक छोटे से town में रहते हैं जो कि जिसका नाम है New Mullion. That is Oliver Lutkins रहते हैं New Mullion में. The narrator was very excited to visit a small and beautiful town, but his excitement ended by the dull appearance of the town. So definitely narrator बड़े खुश हो जाते हैं कि चलो मुझे एक यू नो town देखने को मिलेगा मैं वैसे city life का ये side देखकर shadowy यू नो streets देखकर ये सब देख बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ तो अब मुझे ये जो म्यूलियन में जाने को मिल रहा है तो मैं खुश था you know, यानी नरेडर खुश थे कि चलो मुझे कुछ अच्छा देखने को यहाँ पे मिलेगा बट वो एक्सपेक्टेशन भी उनकी डिसअपॉइंटमेंट में चेंज हो जाती हैं क्योंकि जब वो देखते हैं रह, व्यू ऑफ दिस प्लेस तो उनको बहुत ज्यादा यू नो लेट डाउन फील होता है लेट डाउन इन द सेंस उनको बहुत अच्छा फील नहीं होता है

The driver told him that Oliver was a hard man to catch and who owed a debt to many. People. तो वो क्या बताते हैं catch, न, इसको ईजीली आप नहीं पकड़ सकते हो बहुत मुश्किल से ये किसी के हाथ में आता है एंड ऑल्सो उन्होंने बहुत लोगों से पैसे उधार लिए होते हैं या यू you नो know, पोकर गेम में हार जाते हैं तो बहुत लोगों के पैसे जो है उनको लौटाने हैं extracted information from the lawyer that he needed ही for some कोर्ट केस एंड ऑल्सो हम एक्सपेक्ट करते हैं कनिंगनेस फ्रॉम द लॉयर राइट लॉयर्स मतलब कि आपको वो ब्रेन जो गेम होता है जो माइंड गेम होता है वो आना चाहिए खेलने तो यहाँ पर जब ड्राइवर पूछते हैं या फिर बोल सकते हो डिलीवरी मैन या बिल हमें अब नाम पता है तो जब बिल जो है इनसे पूछते हैं नरेटर से कि आप क्यों आए हैं यू नो वट इज द रीजन आप क्यों ऑल ओवर को ढूंढना चाहते हैं तो पहले तो इनको समझ आता है किसको नरेटर को कि भाई मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट रखना चाहिए एंड माई प्रोफेशन इज़ वेरी यू नो दिस इज़ समथिंग इंपॉर्टेंट इन माई प्रोफेशन दर आई शुड नॉट टेल और ओपनली से कि मैं क्यों आया हूँ ऑल ओवर कोडून बट देन लेटर पता नहीं क्या होता है वो इतनी जल्दी बिलीव कर लेते हैं शुड नेवर बिलीव ऑन समन सो फास्ट राइट अभी तो कुछ घंटे भी नहीं होते उनको तो वो इतनी जल्दी बिलीव कर लेते हैं बिल पे कि उनको बता देते हैं कि मैं ऑल ओवर को यू you नो know, इसलिए आया हूँ कि मुझे कुछ कोर्ट ऑर्डर्स देने हैं और वो किसी केस के विटनेस हैं बहुत टाइम से वो अवॉइड कर रहे हैं लेटर्स को तो वो बता देते हैं उनको तो ये भी एक उनकी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है क्योंकि नहीं बताना चाहिए था उनको पता है उनका प्रोफेशन कैसा है और इतनी जल्दी किसी पर भरोसा करना इज़ नॉट राइट बिल सम हाउ ट्रैव्स द लॉयर इन हज स्टोरी एंड द विजिट डिफरेंट प्लेस इन सर्च ऑफ लुटकिन और जिस तरीके से यू you नो know, वो खुद ही बोल रहे हैं कि ये ये प्लेसेस हैं जहाँ पर उनको मिल जाएंगे लुटकियंस और वो उनके साथ जाते हैं तो यहाँ पर भी उनको थोड़ा बहुत सस्पेक्ट यू you नो know, करना चाहिए था किसको इस ड्राइविंग को चलो वो भी नहीं किया तो ऑब्वियसली ये लॉयर हैं तो इनको खुद तो यू नो जाके इंक्वायरी करनी चाहिए किसी भी प्लेस पे कहीं नहीं दिखता कि यू नो लुटकिंस के बारे में जो नरेटर हैं या जो वो जो यंग लॉयर हैं वो पूछ रहे हो जाकर कौन पूछ रहा था बार बार बिल पूछ रहे थे जाके कि लुटकिंस है क्या यहां पे किसी शॉप में जाना है या उनके मदर के घर पर जाना है फार्म पे जाना है हर जगह ये ड्राइवर या बिल ही हैं जो क्वेश्चन कर रहे थे बल्कि करना किसको चाहिए था लॉयर को तो वो इतनी जल्दी उन्होंने बिलीव कर ले रहे थे कि ऐसा उनको उन्होंने सरेंडर

ओलिवर uh, को बट वहाँ पे भी सिर्फ बिल हैं जो जाके इंक्वायर करते हैं और लॉयर तो भाई पीछे खड़े हैं तो वो बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ हो गई राइट क्योंकि उनको भी जाना चाहिए तो ऑब्वियसली वो दिख तो रहे ही थे तो उनको भी जाके अंदर इंक्वायर करना चाहिए था कि भाई लुटकिंस कौन है कैसा दिखता है एंड ऑल ताकि वो थोड़ा बहुत सस्पेक्ट कर पाते कि मे बी उनकी जो मेरे साथ पर्सन है वही लुटकिंस है चलो पता नहीं भी चलता देन टू ही शुड हैव डन हिज जॉब तो सबसे पहले फ्रिट्स के शॉप पे जाते हैं वहां पे इट इज अटल फेलियर एबल ने तो एक यू नो बार शॉप है शे वेद कौन ऑलिवर ऐसा वो बोलते हैं हेयर ऑल्सो दे आर नॉट एबल टू फाइंड तो फ्रिट्स की शॉप के पीछे पोकर खेलते हुए भी नहीं मिलते पता चलता गुस्ताफ़ की बाबा शॉप पे गए वहाँ जाते हैं तो वहाँ का ओनर बोलता है कि नहीं मैंने नहीं देखा है लुटकिन को बट उसके ऊपर मेरा जो उधार है जो पैसे उसने मुझे नहीं दिए हैं वो उसको बोलो कि वो रिटर्न कर दे अगर तुमको मिलता है तो, तो यहाँ पर यूनोन को लगता है कि क्योंकि वो जो है उसका क्रेडिट वहाँ पे एग्जॉस्ट हो गया होगा तो जो हैक ड्राइवर हैं या जो बिल हैं वो बोलते हैं कि यूनो मे बी वो ग्रेस की शेविंग शॉप पे गए हों यानी कि अब नेक्स्ट कोई बारबर शॉप पे गए होंगे क्योंकि वहां पर तो यू you नो know, उनका क्रेडिट एग्जॉस्ट हो गया है एट ग्रेस बारबर शॉप वी मिस्ड लुटकिंस बाय ओनली फाइव मिनट्स अब वहां पे भी पहुंचते हैं तो क्या पता चलता है कि सिर्फ पांच मिनट ही हुए हैं और वहां से ऑल निकल गया है और उनको नहीं मिला अब देखो ये सब चीजें जो है ना कहीं ना कहीं हो सकता था कि बिकॉज ही इज अ लॉयर क्योंकि वो ऑलरेडी सब स्टडीज कर चुके हैं द नरेटर तो वो कहीं पे तो डाउट होना चाहिए था कि ऐसे कैसे जब हम पहुंचते हैं पांच मिनट हुआ है एक घंटा हुआ ऐसे ही कुछ होता है और लुटके नहीं मिलता नेक्स्ट जो है वो ये भी तो कोशिश कर सकते थे ना कि वो खुद जाके यू you नो know, बोलते हैं उनको किसको आ, जो हैक ड्राइवर है कि यू स्टे है लेट आई एल बी जस्ट बैक यू नो इन सम टाइम और वो जाके किसी और से भी इंक्वायर कर सकते थे कि लुटकिन कैसे दिखते हैं कहाँ रहते हैं क्लियर एक ही पर्सन पे भरोसा करते करते उसी के थ्रू जाते जाना उसी के गाइडेंस को फॉलो करना वो समथिंग विच रियली स्टूपट

इन आफ्टरनून द नरेटर वॉज हंग्री और ऐसे करते करते घंटा हो जाता है बज जाते हैं और जो नरेटर है उनको बड़ी भूख लगती है तो नरेटर सजेस्ट करते हैं किसको बिल को कि चलो कोई रेस्टोरेंट में चलते हैं वहां पर लंच ऑर्डर करेंगे और मैं तुम्हारे लिए भी लंच ऑर्डर कर दूंगा तो बिल क्या बोलते हैं कि नहीं मुझे घर जाना है मेरी वाइफ के पास वो मुझे लंच देगी बनाकर और मैं तो बल्कि सजेस्ट करूंगा कि आपके लिए भी लंच आप यू you नो know, मेरी वाइफ से ही पैक करवा लीजिए सो बिल ऑफर्ड हेम टू बाय लंच फ्रॉम हिज वाइफ एज इट वुड बी लेस्ट कॉस्टली देन एट द रेस्ट रॉ अब नेक्स्ट जो है चलो राइड की बात अलग है उनको वैसे भी पैसे पे करने पड़ते बट यहाँ ऑब्वियसली वो काइंडनेस से इम्प्रेस हुए थे तो उनको कहीं पर भी डाउट नहीं होता बट ही कुड हैव थॉट फॉर अ मोमेंट यू नो फॉर अ मिनट कि कैसे ये पर्सन बार बार यू you नो know, खाने के लिए भी बोल रहा है कि मेरे यहीं से बनवा लो तो इतना काइंड कौन होता है एंड ऑब्वियसली बार बार पैसे की बात आ रही है तो उनको कहीं तो सस्पेक्ट करना चाहिए था कि मे बी ये पर्सन जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं और ये बहुत ज़्यादा काइंड बन रहा है एंड दिस पर्सन इज कनिंग सोच सकते थे वो इस पॉइंट ऑफ व्यू को भी बट वो यहाँ पे भी कुछ ऐसा नहीं सोचते एंड जी ब्लाइंडली फॉलोज वट एवर बिल टेल्स हेम टू डू

वहाँ पे बिल यू you नो know, इनको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ बताते हैं अबाउट द प्लेस अबाउट द विलेज वहाँ के लोग लेडी के बारे में बताते हैं जो चर्च में बहुत जोर जोर से गाना गाती हैं जब उनके ऊपर प्रॉब्लम्स होती हैं तब देन डिफरेंट बॉयज पे कॉमेंट करते हैं जो कॉलेज से बाहर आ रहे होते हैं इन फैंसी क्लोथ देन ही टॉक्स अबाउट अ लॉयर जिनके बारे में बोलते हैं कि उनकी वाइफ कभी भी एक दिन पे यू नो सक्सेसफुल नहीं हो पाती कि वो कॉलर और टाई दोनों पहन के यू नो भेजवा सके अपने हस्बैंड को टू दी लॉ फर्म तो इस तरीके की चीज़ों के बारे में वो बातचीत करते हैं तो सॉर्ट sort ऑफ of एक लाइव यू नो इमेज क्रिएट हो जाती है किस के दिमाग में नरेटर के दिमाग में तो नरेटर बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हो जाते हैं इस नेचर को लेकर किसके नेचर को लेकर जो हमारे यू you नो know, बिल हैं या फिर जो हैक ड्राइवर है तो बहुत खुश हो जाते हैं इस काइंडनेस को देखकर इस ब्रदरहुड को देखकर कि हाउ कैन अ पर्सन बी यू नो सो नाइस टू अ समवन ही हैड ईवन स्टार्टिड कम्पेयरिंग विज पीपल टू सिटी पीपल और फिर वो कंपेयर करने लगते हैं अपने लाइफ जो लोग होते हैं सिटी में उनको विद दिस यू नो पर्सन जो कि विज में रह रहा है कि कैसे यू नो डिफरेंट ओपिनियंस हैं किस तरीके से वो चीयफुल है वो अपनी लाइफ को जीता है कैसे उसके जो uh, भले ही वो कॉलेज में नहीं गया हो भले ही वो कंट्री यूनो सिटीज़ में घूमा ना हो बट उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है जो एक्सपीरियंसिस हैं एडवेंचर्स हैं वो सॉर्ट sort ऑफ of बताते हैं कि यू नो सिंपलिसिटी की यू नो फिलोसफी क्या होती है कैसे आप एक बिलीफ ला सकते हो कि हाउ यू कैन लिख तो so, चीजें वो बिल से सीखते हैं तो माई पार्ट एंडिंग फ्रॉम माई साइट तो वो थोड़े टाइम के लिए you know, जैसे कर लिया, तो हो सकता था वो बोलते हाक ड्राइवर को कि मैं वापस जा रहा हूं बट वो फिर से जाके खुद भी तो पता कर सकते थे अबाउट यू नो लुटक उनको जाकर इंक्वायर करना चाहिए था डिफरेंट प्लेसेस पर बट

तो वो फ्रेंड बोलता है कि ऑलिवर जो है वो अपनी मदर के फार्म पे गया हुआ है और यही चीज़ जो है वो इन्होंने भी गैस की होती है किसने हैक ड्राइवर ने अब यहाँ एक और चीज़ आती है कि नरेटर जो है अगर ये भी सोचते कि बार बार बिल जो है वो इतने श्योर कैसे हैं कि ये पर्सन यहाँ मिल सकता है ऑलिवर और वो जब भी जाते हैं वहां पर उनको लगता है पाँच मिनट से रह गया या दस मिनट से रह गया या वे अभी निकला है या वो अपनी मदर के फार्म पे गया हो ये गैस उनका राइट है हर वक्त थोड़ा ना गैस राइट होता है राइट तो वो चीज़ भी वो सोच सकते थे कि मीट बी आर ये पर्सन कैसे इसको पता है इतना ज्यादा अबाउट ऑलिवर बाकी को तो नहीं पता कि ऑलिवर कहाँ पर है तो ये चीज भी अगर वो सोचते तो डेफिनेटली मे भी उनको कुछ समझ आता कि कुछ तो गड़बड़ है देर इज समथिंग फिशी इन दी मैटर सो अब वो कहाँ जाते हैं वो जाते हैं उनके ऑलिवर के मदर के फार्म पे ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो कि उनको ऑलिवर के फ्रेंड से मिलती है द लेडी देयर वॉज वेरी हार्ड एंड वॉज अबाउट टू अटैक देम विद हॉट रॉड और रस्से में जाते जाते यू नो ये हैक ड्राइवर जो है वो ऑल ओवर की मदर के बारे में भी डिस्क्रिप्शन देते हैं कि शी इज फीट फोर फीट टॉल यू नो थिक और वो बहुत ज्यादा यू नो बोल सकते हैं बहुत एंग्री वूमन है बहुत ज्यादा हार्ड वुमेन है क्यों क्योंकि एक बार का वो नरेट करते हैं इंसिडेंट कि मैं एक ट्रंक लेके जा रहा था उनका और उन्होंने ऑलमोस्ट मुझे इतना चिल्लाया इस तरीके से ट्रीट किया कि जैसे यू नो वो चाहती थी कि इस ट्रंक को एक ऐसे बॉक्स की तरह ट्रीट किया जाए जिसमें एग्स रखे हो यानी इतनी डेलिकेटली उनको हैंडल करना चाहिए था ट्रंक को ऐसा वो चाहती थी फ्रॉम दिस ड्राइवर तो उनको लग रहा था कि बहुत ज़्यादा तेज और एंग्री वुमन है एंड शी कैन डू एनी थिंग यू नो तो वो उनको ऑलरेडी बता देते हैं कि ऐसी ऐसी टाइप की वो वुमन है अब यहाँ पे क्यों करते हैं वो क्योंकि बहुत ही कनिंग वे में वो डरा देते हैं पहले से यू नो नरेटर को कि हाँ वो इस टाइप की वुमन है नेक्स्ट जो है वो वहाँ पे जैसे ही पहुंचते हैं क्वेश्चन करते हैं उनकी मदर से कि ओलेवर कहाँ हैं और यू you नो know, ये लीगलाइज एक लीगल फॉर्म से हैं ये और हमारे पास ऑर्डर्स हैं कि हम बिल्कुल चेक कर सकते हैं ओलेवर की प्रॉपर्टी टू फाइंड ओलेवर तो डेफिनेटली उनको लगता है कि ओके यू नो कि वो मे बी डर जाए और वो उनको ढूंढने दे बट ऐसा होता नहीं है ओलेवर की मदर जो है वो किचन में जाती हैं इनको लगता है मे बी वो अलाउ कर रही हैं उनको ढूंढने के लिए बट वो वहाँ से एक आयन रॉड उठाती हैं आयन उठा लेती हैं और उससे इनको डराती हैं कि इफ़ यू वॉन्ट टू सर्च द प्रॉपर्टी you should you know be interested to get burned uh, first and like this she just makes them to go out of the house the lady there was very hard and was about to attack them with a hot iron rod so they ran away from there At last the lawyer had to leave without serving summons to Lutkins So at the end it is a utter failure on success and he has to leave for the city and he catches this afternoon train and just goes uh, back. Next day he was scolded badly by his chief and was again sent to New Mulian with companion who knew Lutkins. So we know that obviously this person was not that concerned. Narrator इतने ज़्यादा worried नहीं थे कि I was not able to do my job. But जब वो वापस office जाते हैं तो definitely वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा upset होते हैं. उनको बहुत सुनाते हैं क्योंकि वहाँ पर लुटकिंस का होना नेक्स्ट मॉर्निंग बहुत इम्पोर्टेंट कंपलसरी था क्योंकि वो होंगे तभी वो केस जो है वो शट डाउन होता तो वो फिर से एक कंपेनियन के साथ यू नो न्यूमिलियन भेजा जाता है उनको क्योंकि उस कंपेनियन को ऑलरेडी पता है कि लुटकिंस कैसे दिखते हैं या कौन है उनके साथ वो काम कर चुके हैं अपॉन रीचिंग द स्टेशन द क्लर्क हैप्पीली पॉइंटेड आउट दैट बिल वॉज सच अल्पफुल पर्सन टू हेल्प हिम एंड हेल्प हिम टू सर्च फॉर लुटकेंस तो वहाँ जैसे वो पहुँचते हैं वो देखते हैं कि बिल जो है वो वहीं पर खड़े हैं स्टेशन पर विद द कार्ड एंड ऑल्सो उनको एक स्ट्रेन चीज़ क्या दिखाई देती है कि ऑल ओवर की मदद जो है वो बहुत हैप्पीली उन्होंने हंस रही हैं बातें कर रही हैं किसके साथ बिल uh, के साथ बल्कि उनको झगड़ा करना चाहिए बिल के साथ ये लोग ऐसे लड़ते हुए दिखने चाहिए क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था कि वो लोग फ्रेंड्स हैं बिल वैसे भी नहीं पसंद करते थे उनको ओलवा की मादा को और ओलोवा की मादा भी ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत ज्यादा खुश हों बिल को देख के तो ये एक स्ट्रेंज सा सिनारियो जब उनको दिखता है तो बहुत ज्यादा उनको अजीब लगता है बट ऑब्वियसली वो इतना ज्यादा बिलीव करते थे बिल पर कि वो इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लेते हैं और फिर वो अपने कंपेनियन को यू नो बताते हैं बिल की तरफ पॉइंट आउट करके कि यही वो पर्सन है हु इज अ वेरी नाइस पर्सन हु इज़ अ रियल मैन एंड ही हेल्प मी अलॉट टू फाइंड Reload Kids

Bye.